Dear students, we are going to study about nervous system, so let's begin. Starting with its introduction first, nervous system में होता क्या क्या है? Brain, spinal cord and peripheral nerves. Descriptive purposes के लिए जो nervous system उसको दो parts में divide किया गया है, central nervous system and peripheral nervous system, right? जो central nervous system है वो किसके साथ deal करता है या फिर उसमें होता क्या है? Brain and spinal cord. और जो peripheral nervous system है वो किन के साथ deal करते हैं या फिर वो बना किससे हुआ है? With the nerves outside the brain and the spinal cord, right? अब जो peripheral nervous system है उसमें आगे है क्या क्या? पेयर्ड क्रेनियल नर्व्स है और सेक्रल नर्व्स है. जो सेक्रल नर्व्स है वो आगे फर्दर डिवाइडेड है सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड. जो सेंसरी होती हैं वो एफरेंट हैं, जो मोटर है वो एफरेंट है और मिक्स टाइप्स भी हैं, ठीक है. आगे जो PNS है, ठीक है, उसके दो फंक्शनल पार्ट्स हैं. कौन से? सेंसरी डिवीजन एंड मोटर डिवीजन, राइट. मोटर डिवीजन को फर्दर डिवाइड किया गया है उसकी एक्टिविटीज़ के तौर पे, जो कि दो टाइप्स की होती हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री कौन सी होती है? जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होती है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है. आगे है इनवॉलेंट्री, ठीक है, जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं होती हैं, जो ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं, जैसे फंक्शनिंग ऑफ स्मूथ एंड कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं, ठीक है. और इनके साथ डील कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक. अभी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपथैटिक एंड पैरासिंपथैटिक. इनके बारे में हम डिटेल्स में वन बाय वन आगे पढ़ेंगे. नाउ स्टार्टिंग विद द सेल्स एंड द टिश्यूज ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट. जो नर्वस सिस्टम है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सिस एंड आर सपोर्टेड बाय यूनिक कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कॉल्ड न्यूरोग्लिया, ठीक है. और इसमें क्या है, एक डिफरेंट एक यूनिक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको न्यूरोग्लिया बोलते हैं. देर आर वास्ट नंबर ऑफ सेल्स, 1 ट्रिलियन ग्लाइल सेल्स एंड 10 टाइम्स फ्यूअर न्यूरॉन्स, राइट. अब इस नर्वस टिश्यू में क्या होता है, नंबर ऑफ ग्लाइल सेल्स हैं जो कि ट्रिलियंस में हैं, ठीक है, और न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लाइल सेल्स के मुकाबले कम होते हैं. आप डायग्राम में देख सकते हो. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूरॉन्स. अब हम न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल्स में पढ़ेंगे. न्यूरॉन्स आर कॉमनली रेफर टू एज नर्व सेल्स, ठीक है. न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं. ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी एंड इट्स प्रोसेसेस, वन एक्सॉन एंड मेनी डेंड्राइट्स. डायग्राम में देखो जो न्यूरॉन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है. एक सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, और एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स जो कि इसके आगे फर्दर पार्ट्स हैं, ठीक. बंडल ऑफ एक्सॉन्स बाउंड टुगेदर आर कॉल्ड नर्व्स, ठीक है. जो ये नीचे एक सिंगल लाइन दिख रही है, एक्सॉन जब ये बंच में होते हैं, बंडल्स में होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नर्व्स बोलते हैं. न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होते हैं. एंड फॉर सर्वाइवल दे नीड अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ठीक है. इनको इनके सर्वाइवल के लिए कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की, ठीक है. जो न्यूरॉन है वो खुद की केमिकल एनर्जी सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसको ATP एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है. और ये किससे जेनरेट करते हैं केमिकल एनर्जी? फ्रॉम द ग्लूकोज, राइट. अब आगे देखते हैं. न्यूरॉन्स जेनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक. न्यूरॉन्स जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को खुद जेनरेट करते हैं और उसको आगे ट्रांसमिट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं जिस प्रोसेस को एक्शन पोटेंशियल, राइट. जो कुछ न्यूरॉन्स है वो एक्ट करते हैं एज अ रिले स्टेशन जिसके थ्रू इम्पल्सिस पास हो रही होती है और ये इम्पल्सिस को डायरेक्ट रिडायरेक्ट करते हैं, राइट. आगे नर्व इम्पल्सिस कैन बी इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई फ्रॉम. अभी जो नर्व इम्पल्सिस है ये कैसे इनिशिएट होती हैं, ठीक है, इनको स्टिमुलस कहाँ से मिलता है इनिशिएट होने के लिए? आउटसाइड द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल टच से, लाइट वेव से, राइट, और इनसाइड द बॉडी, ठीक है. आगे है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस इज बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल. ये जो नर्व इम्पल्सिस, ये जो नर्व सिग्नल्स की ट्रांसमिशन होती है ये दोनों फॉर्म्स में होती है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल. अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है, जब ये एक नर्व एक्सॉन में ट्रैवल कर रहा होता है, जैसे आपने डायग्राम में देखा है, ठीक है, एक्सॉन में जब ये ट्रैवल कर रहा होता है, एक्शन पोटेंशियल यानी कि जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट हो रही होती है, एक ही एक्सॉन में ट्रैवल कर रही होती है, तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी. बट जब इसने दूसरे नर्व सेल के साथ कॉन्टैक्ट बनाना है, तो ये जो सारा एक्शन पोटेंशियल है वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर. सेल बॉडीज किसको बोलते हैं हम? नर्व सेल्स वेरी कंसिडरेबली इन साइज एंड शेप, बट दे आर ऑल टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई, राइट. अब ये जो सेल बॉडीज हैं ये अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में होती हैं, बट ये बहुत ही माइन्यूट होती हैं, ठीक है, और इनको हम लोग
नेकेड आइज के साथ नहीं देख सकते हैं। ठीक आगे सेल बॉडीज फॉर्म द ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, क्लियर। अब ये जो सेल बॉडीज हैं ये ग्रे मैटर फॉर्म करती है नर्वस सिस्टम का। ये ग्रे मैटर जो है ब्रेन के कॉर्नर में यानी पेरिफ्री में मिलता है और स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में पाया जाता है, राइट। और ये ग्रे मैटर बना किससे हुआ है, सेल बॉडीज के साथ बना हुआ है। ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैंग्लिया इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। जब हमने सेल बॉडीज का जिक्र करना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हम उसको क्या बुलाएंगे, न्यूक्लियाई, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियाई बुलाते हैं और ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया बुलाते हैं, क्लियर। आगे है एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडीज एंड फॉर्म द वाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है, राइट। ये जो एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स है आप डायग्राम में देख सकते हैं, सेल बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं और ये इसकी आगे फर्दर एक्सटेंशन है और ये क्या फॉर्म करते हैं, वाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, राइट। एक्सॉन आर फाउंड डीप इन द ब्रेन एंड इन ग्रुप्स दैट आर कॉल्ड ट्रैक्ट्स एट द पेरिफेरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये एक्सॉन्स, ये ब्रेन के अंदर मिलते हैं, सेंटर पोर्शन को बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो वाइट मैटर है वो ब्रेन के सेंटर पार्ट को फॉर्म करता है जिनको हम ट्रैक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड के कॉर्नर्स पे है, पेरिफ्री पे है, राइट। दे आर रेफर टू एज नर्व्स और नर्व फाइबर्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जब ये वाइट मैटर आउटसाइड द ब्रेन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड के बाहर, इनको हम नर्व या नर्व फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सॉन्स की। एक्सॉन्स, ईच नर्व सेल हैज वन एक्सॉन विच बिगिन्स एट अ टेपर्ड एरिया ऑफ द सेल बॉडी द एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। अब डायग्राम में देखो, हर एक नर्व सेल के पास एक एक्सॉन है, ठीक है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, एट द टेपर्ड एरिया, ठीक है, जिसको हिलॉक बोलते हैं, डायग्राम में देखो, ठीक। आगे, दे कैरी इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड आर यूजुअली लॉन्गर दैन द डेंड्राइट्स, समटाइम्स एज लॉन्ग एज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इनका काम क्या है, ये इम्पल्सिस को कैरी करते हैं सेल बॉडी से, ठीक है, और ये जो एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो लेंथ होती है वो डेंड्राइट से ज़्यादा होती है, कभी कभार 100 सेंटीमीटर तक के होते हैं ये, ठीक है। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन। द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोलिमा एंड इट एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, राइट। अब ये जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है इसको हम एक्सोलिमा बोलते हैं, ठीक है, और इसने क्या इनक्लोज किया हुआ, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में। लार्ज एक्सॉन्स एंड दोज ऑफ पेरिफेरल नर्व्स आर सराउंडेड बाय माइलिन शीथ, ठीक है। जो भी लार्ज एक्सॉन्स होते हैं या फिर पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ, राइट। अब दिस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ श्वान सेल्स अरेंज्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। Each one is wrapped around the axon so that it is covered by number of concentric layers of Schwann cell plasma membranes. Right? अब Schwann cells जो हैं वो present होते हैं, ठीक है, कहाँ present होते हैं, along with the length of the axon. Length है axon की, उसमें क्या present है, Schwann cells present है, और Schwann cells को cover किसने किया हुआ है, ठीक है, वो किस में wrapped हैं, Schwann cell plasma membrane में wrapped हैं, right? आगे है, between the layers of plasma membrane there is a small amount of fatty substance called माइलिन, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके अंदर ये श्वान सेल्स की लेयर्स के बीच में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फैटी सब्सटेंस है जिसको माइलिन कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर है जो श्वान सेल की, उसको न्यूरीलिमा कहते हैं, ठीक। देयर आर टाइनी एरियाज ऑफ एक्सपोज्ड एक्सोलिमा बिटवीन एडजेसेंट श्वान सेल्स कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। डायग्राम में आप देखो पीछे कि जो एक्सपोज्ड एरिया है एक्सोलिमा के बीच में, ठीक है, जो साथ साथ एक्सोलिमा है उसमें छोटे छोटे से गैप्स हैं, ठीक है, श्वान सेल्स के बीच में गैप्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं, ठीक है, जो कि असिस्ट करते हैं रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। ये बात याद रखना कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उनमें रैपिड ट्रांसमिशन होती है नर्व इम्पल्सिस की एज कम्पेरेटिव टू नॉन माइलिनेटेड में, क्लियर। आगे हम बात करेंगे, अब आप डायग्राम में देख सकते हो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन एंड माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है, हम पढ़ के हटे माइलिनेटेड एक्सॉन के बारे में। डायग्राम में देखो नीचे आप कि माइलिन शीथ प्रेजेंट है, श्वान सेल्स हैं, ठीक है, और बीच में आप देखोगे ये जो सेल्स अरेंज्ड हैं, ठीक है, ये जो श्वान सेल्स अरेंज्ड हैं इनके बीच में गैप्स है जिसको नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं, ठीक है। ऊपर नॉन माइलिनेटेड आप देख सकते हो बिल्कुल प्लेन है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं
उसमें क्या होता है, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स और कुछ छोटे मोटे फाइबर्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। इसमें जनरली होता क्या है कि जो नंबर ऑफ एक्सॉन्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, श्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। जो एडजेसेंट श्वान सेल्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ क्लोज एसोसिएशन में होते हैं और कोई भी एक्सपोज्ड एक्सोलीमा नहीं होता है, बीच में कोई भी गैप नहीं होता, यानी कि कोई नोड्स ऑफ रेनवियर नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज सिग्निफिकेंटली स्लोअर इन नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि माइलिनेटेड में स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन जो होती है वो रैपिड होती है और नॉन माइलिनेटेड में स्लो होती है, क्लियर। आगे बात करते हैं डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स क्या है, ये छोटे छोटे प्रोसेसेस, आप डायग्राम में देखो वो जो ब्रांचेस निकली दिख रही हैं, लंबा वाला पार्ट तो एक्सॉन है, ठीक है। ऊपर आप देखोगे ब्रांचेस जैसा है, ठीक है, सेल बॉडी के साइड में से जो निकल रहा है ब्रांचेस, दैट आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये छोटे छोटे प्रोसेसेस है जो कि रिसीवर कैरी करते हैं, ठीक है, इनकमिंग इम्पल्सिस टूवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडीज की तरफ कोई भी इम्पल्सिस आ रही है उनको रिसीव करके कैरी करवाते हैं, ठीक है। अब आगे है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है एक्सॉन्स के जैसा, बट ये यूजुअली एक्सॉन्स के कंपैरेटिवली शॉर्टर है और इनमें ब्रांचेस प्रेजेंट है। इन मोटर न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स फॉर्म पार्ट ऑफ साइनेप्सिस, ठीक है, साइनेप्सिस के हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जो डेंड्राइट्स हैं वो साइनेप्सिस का पार्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इन सेंसरी न्यूरॉन्स में क्या होता है कि वो फॉर्म करते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स का पार्ट, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, क्लियर। आगे देखते हैं नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल भी इसको बोला जाता है। एन इम्पल्स इज इनिशिएटेड बाय स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग्स और बाय द पैसेज ऑफ एन इम्पल्स फ्रॉम अनदर नर्व, ठीक है। एक जो इम्पल्स है वो कैसे शुरुआत होती है उसकी, कैसे इनिशिएट यानी कैसे स्टार्ट होती है, ठीक है, सेंसरी नर्व एंडिंग से उसकी स्टिमुलेशन होती है तब वो स्टार्ट होती है, या फिर कोई इम्पल्स है वो एक नर्व से दूसरे की तरफ ट्रांसफर होती हो तब जो है इम्पल्स की इनिशिएशन स्टार्ट होती है, ठीक है। आगे द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन्स अक्रॉस द नर्व सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। जो ये आयन्स होते हैं, ठीक है, ये जब एक नर्व सेल मेम्ब्रेन के पूरा उसमें मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनमें हलचल हो रही होती है तब कोई इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती है, या हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से इसमें होता क्या है। रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, जो नर्व सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं, जिसका मतलब क्या है कि अलग अलग इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं दोनों साइड्स पे नर्व सेल मेम्ब्रेन की, एक साइड पे पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ क्या है नेगेटिव है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्लियर। रेस्टिंग स्टेट में क्या है, नर्व सेल मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होता है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं उनके एंड्स पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आगे एट रेस्ट द चार्ज ऑन आउटसाइड इज पॉजिटिव, जो बाहर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, रेस्टिंग मोड पे उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इनसाइड वाले में नेगेटिव होता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल आयन्स कौन से इन्वॉल्व है, सोडियम और पोटेशियम। जो सोडियम है वो मेन एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है, ठीक है, और जो पोटेशियम है वो मेन इंट्रा सेलुलर कैटायन है, ठीक है। जब ये स्टिमुलेट होते हैं परमिएबिलिटी ऑफ नर्व सेल मेम्ब्रेन टू दीज आयन्स चेंजेस। रेस्टिंग मोड पे तो आपको पता है कि बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, पर जब ये स्टिमुलेटेड होते हैं काम करना स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, नर्व सेल मेम्ब्रेन में इनकी जो परमिएबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है, अब Na बताया गया है सोडियम की वो एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है यानी सेल से बाहर है, तो वो क्या करता है जब रेस्टिंग मोड से हट के, ठीक है, जब स्टिमुलेशन मोड आता है तो क्या होता है, जो Na है वो बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, फ्लो करेगा, यानी कि इनिशियली Na फ्लड्स इनटू द न्यूरॉन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, इसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन, ठीक है, जो कि क्रिएट करता है नर्व इम्पल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन जो होती है वो बहुत रैपिड होती है, जिसके साथ क्या मदद होती है कि जो नर्व इम्पल्स है उसकी प्रॉपर कंडक्शन यानी कि उसकी प्रॉपर मूवमेंट होती है पूरी एंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन में, ठीक है, विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड्स, थोड़े ही समय में, ठीक है, मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आगे है, जब न्यूरॉन अपने रेस्टिंग ओरिजिनल स्टेट में वापस चला जाता है तो क्या हो जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो क्या करता है, Na को फिर से एक्सपेल कर देता है, सेल के बाहर भेज देता है, क्योंकि जो सोडियम है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है, तो फिर से बाहर किसको भेज देगा, सोडियम को भेज देगा, और जो पोटेशियम है वो फिर से
अंदर जो इंट्रासेलुलर कैटायन है वो पोटेशियम है वो अंदर ही रहेगा, ठीक है। आगे इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ माइलिन शीथ प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ आयन्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ माइलिन शीथ की वजह से क्या होगा, जो आयन के मूवमेंट्स को प्रिवेंट करती है, तो जो ट्रांसमिशन हो रही होगी, जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो रहे होंगे मेम्ब्रेन में, वो सिर्फ कहाँ पे होंगे, जहां पे गैप्स है। गैप्स हमने कहाँ पे पढ़े थे, नोड्स ऑफ रेनवियर के पास जाके वहां से जो ट्रांसमिशन है वहां पे कंडक्ट होती है, इसलिए जो ये ट्रांसमिशन है ये रैपिडली होती है, ठीक है। आगे देखो क्या है, व्हेन एन इम्पल्स अकर एट वन नोड डीपोलराइजेशन पासेस अलोंग द माइलिन शीट टू द नेक्स्ट नोड सो दैट द फ्लो ऑफ करंट अपीयर्स टू लीप फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट नोड, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जो इम्पल्स है एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक अकर होती रहती है, ऐसे बंपिंग फॉर्म में जाती रहती है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, जैसे लीप होता है ना किसी कार रेसिंग गेम में हम देखते हैं तो एक लीप लेवल आता है, ठीक है ना। तो सेम वही है कि जो ये एक नोड से दूसरे नोड की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं कि लीप हो रही है, ये जो इम्पल्सिस है एक नोड से दूसरी नोड की तरफ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, क्लियर। आगे देखो क्या आप डायग्राम में देख सकते हो, और एग्जाम में काइंडली ऐसा सा ही डायग्राम ड्रॉ करके आना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, पासिस फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। जो नर्व इम्पल्सिस है ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, यानी कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन से लेके टू द रेस्टिंग पोटेंशियल एरिया, ठीक है। आगे द वन वे डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन इज एंश्योर्ड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग डीपोलराइजेशन, इट टेक्स टाइम फॉर रिपोलराइजेशन टू अकर, ठीक है। अभी जो वन वे डायरेक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस की, ये जो नर्व इम्पल्सिस है यूनिडायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि डीपोलराइजेशन के बाद जो रिपोलराइजेशन होती है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए ये जो फ्लो है ये यूनिडायरेक्शनल है। इमीजिएटली आफ्टर द एंट्री ऑफ सोडियम पोटेशियम फ्लड्स आउट ऑफ द न्यूरॉन एंड द मूवमेंट ऑफ दिस आयन रिटर्न द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही सोडियम की एंट्री दोबारा अंदर हुई, जो पोटेशियम है वो फिर से बाहर निकल जाएगा न्यूरॉन के, ठीक है, और ये मूवमेंट है जो आयन्स की, ठीक है, वो वापस से क्या करती हैं, रिटर्न कर देती हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल को उसके रेस्टिंग स्टेट पे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरिंग विच द रीस्टिमुलेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आगे देखो क्या है, द स्पीड ऑफ कंडक्शन डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। अब कितनी स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, न्यूरॉन के डायमीटर पे। लार्जर द डायमीटर द फास्टेस्ट इज द कंडक्शन, ठीक है। जितना डायमीटर लार्ज होगा उतनी जो कंडक्शन है वो फास्ट होगी, ठीक है। माइलिनेटेड फाइबर्स में क्या होता है, ये जो नर्व इम्पल्सिस होती हैं, ठीक है, वो फास्ट होती हैं एज कंपेरेटिव टू नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, क्योंकि जो साल्टेटरी कंडक्शन है माइलिनेटेड फाइबर्स में वो फास्टर है, ठीक है। आगे फास्टेस्ट फाइबर कैन कंडक्ट इम्पल्सिस टू फॉर एग्जाम्पल स्केलेटल मसल एट अ रेट ऑफ 130 मीटर्स पर सेकेंड, और जो स्लोएस्ट इम्पल्सिस होती है वो कितने में ट्रैवल करती है, 0.5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। जो फास्टेस्ट फाइबर्स हैं वो 130 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, और जो स्लोएस्ट इम्पल्सिस होती हैं वो 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साइनैप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। There is always more than one neuron involved in the transmission of a nerve impulse from its origin to its destination, whether it is sensory or motor. ठीक है, हमेशा एक से ज्यादा जो न्यूरोन है नर्व ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, चाहे वो सेंसरी है चाहे वो मोटर है, ठीक है, उसके ओरिजिन से लेके उसके डेस्टिनेशन तक इन न्यूरॉन्स के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है। द पॉइंट एट विच द नर्व इम्पल्सिस पास फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड साइनैप्स, ठीक है। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जो नर्व इम्पल्सिस जब पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स, ठीक है। एट इट्स फ्री एंड द एक्सॉन ऑफ प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन ब्रेक्स अप इनटू माइन्यूट ब्रांचेस दैट टर्मिनेट इन स्मॉल स्वेलिंग्स कॉल्ड साइनैप्टिक नॉब्स और टर्मिनल बटन्स, ठीक है। अब फ्री एंड पे क्या होता है, ठीक है, जो ये एक्सॉन है इसके जो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, पीछे डायग्राम में आप देखना प्री साइनैप्टिक एंड पोस्ट साइनैप्टिक, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक क्लेफ्ट होता है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक। क्या होता है, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन जो है वो ब्रेक कर जाता है इनटू माइन्यूट ब्रांचेस, ठीक है, जो खत्म कहाँ पे होते हैं, टर्मिनेट कहाँ पे होते हैं, स्मॉल स्वेलिंग्स में, जिसको हम बोलते हैं साइनैप्टिक नॉब्स या फिर टर्मिनल बटन्स, राइट। आगे है दीज आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द डेंड्राइट्स एंड द सेल बॉडी ऑफ द पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन,
अब ये जो एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसके जो टर्मिनल बटन्स होते हैं वो जो दूसरा न्यूरॉन है पोस्ट साइनेप्टिक वाला, उसके बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, ठीक है। उसके डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी के साथ वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, उसके बिल्कुल पास होते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक के बीच में, ठीक है, जो जगह होती है दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। पीछे डायग्राम था, आप उसमें देखना जरूर, ठीक। साइनेप्टिक नॉब्स क्या होते हैं? कंटेन्स स्फेरिकल साइनेप्टिक वेसल्स, उसके अंदर छोटे छोटे स्फेरिकल साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं विद स्टोर अ केमिकल, ठीक है। अभी जो साइनेप्टिक नॉब्स होते हैं वो कंटेन क्या करते हैं, क्या होता है उसके बीच में, छोटे छोटे स्फेरिकल साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे डायग्राम में आप देखना, ठीक है, जो कि स्टोर करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है, ठीक है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको नर्व सेल्स जो है सिंथेसाइज करते हैं और वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन और फिर जाके साइनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स पे एक्ट करते हैं ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इनके पास एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है एट साइनेप्स, बट दे आर समटाइम्स इनहिबिटरी, ठीक। आगे है न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कौन से होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये नाम दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी दो या तीन नाम पेपर में याद कर लेना, ठीक है। आगे है ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल्स अकर थ्रू एनकेफेलिंस एंड एंडोर्फिंस, ठीक है, इनके थ्रू जो पेन सिग्नल्स है, ठीक है, वो ट्रांसमिट करते हैं। आगे सोमैटिक नर्व कैरीज इम्पल्सिस डायरेक्टली टू द साइनेप्सिस एट स्केलेटल मसल द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस स्टिम्युलेटिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट। सो क्या है ये, क्या कैरी करती है डायरेक्टली जो इम्पल्सिस है कैरी करती है, ठीक है, टू द साइनेप्सिस एट द स्केलेटल मसल्स, ठीक है, और वहां से जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो स्टिम्युलेट करते हैं, ठीक है, उन पर्टिकुलर पार्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं नर्व्स की, नर्व्स क्या है, द नर्व कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस न्यूरोन्स कलेक्टेड इन टू बंडल्स, ठीक है। जो नर्व्स होती हैं वो क्या है, न्यूमरस न्यूरोन्स का एक बंडल होती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग ट्रैक्ट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को हम लोग ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ईच बंडल हैज सेवरल कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने टिश्यू वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है, उसमें जाके एक बार देख लेना, ठीक है। अब क्या है इसकी लेयर्स कौन सी है, एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम, एपिन्यूरियम, ठीक है। अब एंडोन्यूरियम है ये क्या है, ये डेलिकेट टिश्यू है, हर एक इंडिविजुअल फाइबर को इसने कवर अप किया हुआ है, ठीक है, और ये किसकी कॉन्टिन्यूशन है, सेप्टम जो है इनके बीच में उसकी कॉन्टिन्यूशन है जो कि अंदर की तरफ जाता है पेरीन्यूरियम से, ठीक है। पेरीन्यूरियम क्या है, एक स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि ईच बंडल ऑफ फाइबर्स को सराउंड करता है। एपिन्यूरियम क्या है, एक फाइबरस टिश्यू है जो कि सराउंड भी करता है और एनक्लोज भी करता है, किसको, नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स को, ठीक है। मोस्ट लार्ज नर्व्स आर कवर्ड बाय एपिन्यूरियम, जो बड़ी बड़ी नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी नर्व्स होती हैं उनको किसने कवर किया होता है, एपिन्यूरियम ने, ठीक है। आगे बात करते हैं सब, ये सेंसरी नर्व और या फिर ये एफरेंट नर्व्स क्या होते हैं, ठीक है, ये कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन सारी बॉडी से, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू उसको ट्रैवल करवा के ब्रेन तक लेके जाते हैं, राइट। आगे सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड एंडिंग्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई चेंजेस भी बोलते हैं जिसको, इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ये सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड एंडिंग्स होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस को, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी बोथ, ठीक है। हमें सेंसेशन होती है ना, पेन, टेम्परेचर, टच, हीट, कोल्ड, ठीक है, ये सारा कुछ हमें स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है सेंसरी रिसेप्टर्स में जो कि हमें एहसास दिलवाते हैं कि दर्द हो रहा है, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। आगे सोमैटिक, क्यूटेनियस और कॉमन सेंसेस, ठीक है, दीज ओरिजिनेट इन द स्किन। अब ये जो है सेंसेस ये स्किन में ओरिजिनेट करते हैं और ये कौन सी होती है, पेन, टच, हीट एंड कोल्ड, ठीक है। सेंसरी नर्व एंडिंग्स इन द स्किन आर फाइन ब्रांचिंग फिलामेंट्स विदाउट माइलिन शीथ। जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स स्किन में होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन माइलिनेटेड होती हैं, ठीक है। जब ये स्टिमुलेट होती हैं तो क्या होता है, जो नर्व इम्पल्स इनमें से जेनरेट होती हैं वो ट्रांसमिट करती हैं सेंसरी नर्व्स को ब्रेन की तरफ, ठीक है, जहां पे जाके सेंसेशन परसीव होती है। हमने सेंसरी वीडियो में हर एक चीज की सेंसेशन के बारे में डिटेल्स में पढ़ा है और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में हमने स्किन के बारे में डिटेल्स में पढ़ा है उसकी सेंसेशंस का, ठीक है, उसमें देख लेना एक बारी, ठीक, ठीक है। आगे और कौन से सेंसेस है, जैसे प्रोप्रायोसेप्टर सेंसेस, ठीक है, ये क्या होते हैं, दीज ओरिजिनेट इन मसल्स एंड ज्वाइंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड पोस्चर, ठीक है। ये मसल्स और ज्वाइंट में प्रेजेंट होती है, वहां से ओरिजिनेट होती है और ये क्या करते हैं, बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करवाते हैं, ठीक है। आगे है स्पेशल सेंसेस,
ये स्पेशल सेंसेस कौन सी है, साइट, हियरिंग, बैलेंस, स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है, सेंसरी सिस्टम वाली वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। आगे है ऑटोनॉमिक एफरेंट नर्व्स, ये कौन सी होती हैं, ऑटोनॉमिक मीन्स ऑटोमेटिकली, ठीक है, दीज ओरिजिनेट इन द इंटरनल ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड टिश्यूज, ठीक है, अब ये यहाँ पे ओरिजिनेट करती हैं और इनका काम क्या होता है, बैरोरिसेप्टर्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है, कीमोरिसेप्टर्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि इन कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, और इनकी दूसरी एक्टिविटीज कौन सी, जैसे दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ इनवॉलेंट्री एक्टिविटी एंड विसरल पेन, ठीक है, इनके साथ भी ये एसोसिएटेड है, इनमें भी ये प्रॉपरली इन्वॉल्व है, राइट। आगे बात करते हैं मोटर और इफ्रेंट नर्व्स की, मोटर नर्व कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया से, ठीक है, और ट्रांसमिट करती हैं पल्सेस किन को, इफेक्टर ऑर्गन्स को, जैसे कि मसल्स एंड ग्लैंड्स को, ठीक है, ये दो टाइप्स की होती हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक, सोमैटिक कौन सा हो गया, जो वॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है, और ऑटोनॉमिक कौन सी होती है, जो ऑटोमेटिकली होती है, हम लेटर ऑन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, कि सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक ऑटोनॉमिक की दो टाइप्स हैं, और ये इन्वॉल्व होती हैं जैसे कार्डियक एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में और ग्लैंडुलर सिक्रीशन में भी, ठीक है। आगे बात करते हैं मिक्स्ड नर्व्स की, इन स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आर अरेंज्ड इन सेपरेटेड ग्रुप्स और ट्रैक्स, ठीक है, कि स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं ये अरेंज होती हैं अलग अलग ग्रुप्स में या फिर ट्रैक्स में, ठीक है। आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड देन द सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आर एनक्लोज्ड विद इन द सेम शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दे आर कॉल्ड मिक्स नर्व्स, ठीक है। जब ये स्पाइनल कॉर्ड के बाहर, ठीक है, ये जो सेंसरी और मोटर नर्व्स होते हैं, ठीक है, ये एक ही शीत के साथ कवर्ड होते हैं, और वो शीत किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूरोग्लिया की, आप डायग्राम में देखो कितने टाइप्स हैं न्यूरोग्लिया के, ठीक है। द न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर सपोर्टेड बाय फोर टाइप्स ऑफ नॉन एक्साइटेबल ग्लायल सेल्स, और वो कौन से हैं फोर टाइप्स, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल्स एंड माइक्रोग्लिया, ठीक है, इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोसाइट्स की, आप इसकी शेप देखो, ठीक है, ये ड्रॉ करके आना एग्जाम में। दी सेल्स फॉर्म द मेन सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मेन है, ठीक है, इनकी जो शेप होती है, दे आर स्टार शेप विथ फाइन ब्रांचिंग प्रोसेस, डायग्राम में देख सकते हो आप। एट द फ्री एंड्स ऑफ सम ऑफ द प्रोसेसेस आर स्मॉल स्वेलिंग कॉल्ड फूड प्रोसेसेस, ठीक है, ये जो एंड होते हैं ये ब्रांचेस के, इनके फ्री एंड्स पे क्या है, ठीक है, छोटी छोटी स्वेलिंग्स लाइक प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर एडजेसेंट टू ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स के साथ साथ होते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक स्लीफ फॉर्म करते हैं राउंड अबाउट ब्लड वेसल्स के, ठीक है, और वो क्या करते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है। द ब्लड ब्रेन बैरियर इज अ सिलेक्टिव बैरियर दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम पोटेंशियली टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, अगर समझो ब्लड में कभी कभार इन्फेक्शन हो गई है, कुछ हो गई है, तो ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये दिमाग को वो इन्फेक्शन ना चढ़ जाए, ठीक है, एक बैरियर बना के रखते हैं, ठीक है, जो कि दिमाग को, हमारे ब्रेन को टॉक्सिक सब्सटेंसेस से बचाता है, ठीक। आगे बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये एस्ट्रोसाइट से भी छोटे होते हैं, ठीक है, और ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं, क्लस्टर्स में पाए जाते हैं, कहाँ, राउंड नर्व सेल बॉडीज इन ग्रे मैटर, ठीक है, ये इनकी लोकेशन है, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर्म एंड मेंटेन माइलिन, ये माइलिन शीट जो हमने पढ़ी है पीछे, ठीक है, उसको फॉर्म करते हैं और उसकी मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है, हैविंग द सेम फंक्शन एज श्वान सेल्स इन द पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है, इनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल श्वान सेल्स के जैसा है, ठीक है। आगे बात करते हैं एपेंडाइमल सेल्स की, एपेंडाइमल सेल्स क्या होते हैं, दी सेल्स फॉर्म द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं ये एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, ब्रेन के वेंट्रिकल्स की एपिथेलियल लाइनिंग को फॉर्म करते हैं, एज वेल एज सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दो सेल्स दैट फॉर्म द कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ द वेंट्रिकल सिक्रीट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, ये वो सेल्स हैं, ठीक है, जो कि कोरॉइड प्लेक्सस को फॉर्म करते हैं वेंट्रिकल्स के, ठीक है, और ये जो कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं वेंट्रिकल्स में हेल्प करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करने में, ठीक है। आगे इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, आप ये डायग्राम देख सकते हो, आप ऐसा ड्रॉ करके आ सकते हो एग्जाम में। आगे बात करते हैं लास्ट इसमें माइक्रोग्लिया की, दीज सेल्स में बी डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट्स दैट माइग्रेट फ्रॉम ब्लड इनटू द नर्वस सिस्टम बिफोर बर्थ, ठीक है, ये सेल्स मोनोसाइट्स में से डिराइव होते हैं, ठीक है, और ये माइग्रेट करते हैं ब्लड से लेके नर्वस सिस्टम तक, ठीक है, बिफोर द बर्थ, ठीक है, ये ब्लड में से निकल के नर्वस सिस्टम में एंटर करते हैं जन्म से पहले, ठीक है, और ये मेनली कहाँ पे मिलते हैं, इन द एरिया ऑफ ब्लड वेसल्स, ये क्या होते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं और ये फेगोसाइटिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि रिमूव हो जाते हैं कौन कौन, माइक्रोब्स और डैमेज टिश्यूज, ठीक है, जो भी सेल डेब्रिस वगैरह होता है ये उनको निकालने में बाहर मदद करते हैं, इनका फेगोसाइटिक एक्शन होता है, इन द एरियाज ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड सेल डिस्ट्रक्शन, जहां पे भी इन्फ्लेमेशन हुई है या फिर सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, खराब हुआ है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. ठीक, स्टार्टिंग विद द मेनिंजेस. अभी जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, इनको थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू जो है सराउंड करती हैं, जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं. और ये मेनिंजेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन, द वर्टिब्रल फोरामिना एंड द स्पाइनल कॉर्ड. राइट, अब बाहर से लेके अंदर की तरफ अगर इनको हम नेमिंग करना, इनकी लेबलिंग करना स्टार्ट करें, तो वो कौन सी हैं? सबसे आउटर मोस्ट है ड्यूरा मैटर, अंदर वाली है एरेक्नॉइड मैटर, और उससे अंदर है पाया मैटर. ठीक है, जो ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड मैटर्स हैं, ठीक है, वो सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से बायोपोटेंशियल स्पेस, जिसका नाम है सबड्यूरल स्पेस. यानी कि ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में कौन प्रेजेंट है? सबड्यूरल स्पेस. ठीक है, और एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में कौन प्रेजेंट है? सब एरेक्नॉइड स्पेस. ठीक है, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. सब एरेक्नॉइड स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, याद रखना. ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द ड्यूरा मैटर फर्स्ट. जो सेरेब्रल ड्यूरा मैटर है, ठीक है, उसमें दो लेयर्स ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर. जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, वो पेरियोस्टियम का काम करती हैं, ठीक है, ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्कल बोन्स. ठीक है, आगे जो इनर लेयर होती है, वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन. ठीक है, ब्रेन की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे काम करती हैं. ठीक है, इसमें और क्या क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है, जो फॉर्म करते हैं फाल्क सेरेब्री. ठीक है, जो सेरेबेलर हेमिस्फीयर है, वो क्या फॉर्म करते हैं? फाल्क सेरेबेली. और जो सेरेब्रम एंड सेरेबेलम को फॉर्म करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेंटोरियम सेरेबेली. राइट, आगे स्पाइनल ड्यूरा मैटर जो है, वो एक लूज शीथ है अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि फोरामेन मैग्नम से एक्सटेंड होकर सेकेंड सेक्रल वर्टिब्रा तक होता है. ठीक है, फाइनल टर्मिनल को पूरा इनक्लोज करके किसके साथ फ्यूज कर जाता है? विद द पेरियोस्टियम ऑफ द कॉकिक्स. ठीक है, कॉकिक्स आप जानते हो कि कौन सा पार्ट है. ठीक है, जो नर्व्स है एंटर और लीव करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को, वो पास करती हैं थ्रू द एपिड्यूरल स्पेस. राइट, ठीक है, अब ये जो अटैचमेंट्स हैं, ठीक है, ये हेल्प करती है स्पाइनल कॉर्ड को ताकि न्यूरल कैनाल के अंदर स्टेबलाइज रह सके. जो डाइज है, हम लोग डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. ठीक है, लोकल एनेस्थीजिया जो है, एनाल्जेसिक्स हम देते हैं टू रिलीव द पेन, ये सारा इस एपिड्यूरल स्पेस में ही दिया जाता है. ठीक, आगे बात करते हैं एरेक्नॉइड मैटर की. दिस इज अ लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट लाइज बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड द पाया मैटर. ये ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच का स्पेस है एरेक्नॉइड मैटर. ठीक है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ड्यूरा मैटर बाय सबड्यूरल स्पेस एंड फ्रॉम द पाया मैटर बाय द सब एरेक्नॉइड स्पेस. ठीक है, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है. जो एरेक्नॉइड मैटर होता है, वो पास करता है किसके ऊपर से? कॉन्वोल्यूशंस, यानी फोल्ड्स होते हैं ब्रेन में. ठीक है, उसके ऊपर से ये पास होता हुआ, ठीक है, अकंपनी करता है किसको? अंदर वाली लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर को, जो कि फॉर्म करती है फाल्क सेरेब्री, टेंटोरियम सेरेबेली एंड फाल्क सेरेबेली. ठीक है, आगे बात करते हैं पाया मैटर की. दिस इज अ डेलिकेट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग मेनी माइन्यूट ब्लड वेसल्स. इसके अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सबसे डेलिकेट लेयर होती है. ठीक है, ये किसके साथ चिपकी होती है? ब्रेन के साथ, ताकि कम्प्लीटली कवर किया जा सके. जो कॉन्वोल्यूशंस हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या होते हैं कॉन्वोल्यूशंस. ठीक है, ये फोल्ड्स होते हैं ब्रेन में प्रेजेंट एंड डिपिंग इनटू ईच फीजर. फीजर क्या है? एक एक फोल्ड की गहराई के अंदर जाके ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इट कंटिन्यूज डाउनवर्ड सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड. ये पाया मैटर जो है, ये नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी एक्सटेंड होती है. ठीक है, बियॉन्ड द एंड ऑफ द कॉर्ड इट कंटिन्यूज एज द फाइलम टर्मिनल. हमने डायग्राम में देखा है पीछे. ठीक है, कॉर्ड जहाँ पे एंड होती है, उसके नीचे तक जाते हुए फाइनल टर्मिनल को पूरा एनक्लोज करती है, और लास्ट में जाके फ्यूजेस विद द पेरियोस्टियम ऑफ द कॉकिक्स. ठीक है, आगे बात करते हैं हम वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन की एंड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये शॉर्ट नोट्स में आ जाता है. मेनिंजेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो ब्रेन है, उसके फोर इरेगुलर शेप कैविटीज प्रेजेंट होती है, जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं. और ये वेंट्रिकल्स क्या कंटेन करते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. और इन वेंट्रिकल्स कौन से चार? दे आर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक, अब इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे वन बाय वन. आप ऐसा ही डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करके आना. ठीक है, आगे है, सबसे पहले हम बात करते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स की. दीज कैविटीज लाइज विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. ठीक है, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसमें ये कैविटी लाई करती है. ठीक है, वन ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द मीडियल प्लेन जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, कॉर्पस कैलोसम के बिल्कुल नीचे. ठीक है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के एक साइड पे ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड सेप्टम ल्यूसीडियम. ठीक है, ये दोनों सेपरेटेड एक दूसरे से किसके थ्रू? सेप्टम ल्यूसीडियम के थ्रू. ठीक है,
जो कि लाइंड है विद सिलिएटेड एपिथीलियम, ये हमने टिश्यू वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये कम्युनिकेट करते हैं विद द थर्ड वेंट्रिकल बाय इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना, ठीक है। अब थर्ड वेंट्रिकल की बात करते हैं, थर्ड वेंट्रिकल बिल्कुल एक कैविटी है जो कि लेटरल वेंट्रिकल्स के बिल्कुल नीचे सिचुएटेड है, ठीक है, बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द थैलेमस, ठीक है, दो पार्ट्स अगर थैलेमस के उसके बिल्कुल बीच में सिचुएटेड है। ये कम्युनिकेट करती है विद द फोर्थ वेंट्रिकल बाय कैनाल दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। ये जॉइंट है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ, किसके थ्रू, सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू, ठीक। आगे बात करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल की, फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो डायमंड शेप कैविटी है जो कि सिचुएटेड है थर्ड वेंट्रिकल के नीचे और उसके पीछे बिटवीन द सेरेबेलम एंड पॉन्स, राइट। इट इज कॉन्टिन्यूस बिलो विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड कम्युनिकेट्स विद द सबएरेक्नॉइड स्पेस बाय फोरामिना इन दिस रूफ, ठीक है। ये कहाँ से कंटिन्यूस है, बिलो द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और ये कम्युनिकेट करती है किसके साथ, विद द सबएरेक्नॉइड स्पेस बाय फोरामिना, ठीक है। सबएरेक्नॉइड स्पेस कौन सा, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंटर्स द सबएरेक्नॉइड स्पेस थ्रू दीज ओपनिंग्स, ठीक है, इसकी ओपनिंग्स के थ्रू ही जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है सब एरेक्नॉइड स्पेस में एंटर करता है, ठीक। आगे बात करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, इट इज सिक्रेटेड इन टू ईच वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन बाय कोरॉइड प्लेक्सस, ठीक। अब जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है, ये ब्रेन में कैसे आता है, थ्रू कोरॉइड प्लेक्सस इसको सिक्रेट करते हैं, ठीक है। ये वैस्कुलर एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रोलिफ्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हैं और उनको किसने सराउंड किया हुआ है, एपेंडाइमल सेल्स ने, ठीक है, इन द लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल वॉल्स। आगे CSF पासिस बैक इनटू द ब्लड थ्रू द एरेक्नॉइड विलाय, ठीक है, ब्लड में ये कैसे उतरता है, थ्रू एरेक्नॉइड विलाय के थ्रू। व्हेन CSF प्रेशर इज हायर देन द वीनस प्रेशर, CSF पासिस इनटू द ब्लड, जब भी CSF का प्रेशर ज्यादा होता है वीनस ब्लड प्रेशर के थ्रू, ठीक है, तो जो CSF वो ब्लड में उतरने लग जाता है, ठीक है, उसमें पास कर जाता है। देर में ऑल्सो बी सम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ CSF बाय सेल्स इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। कुछ जो CSF की अमाउंट है वो वेंट्रिकल्स की ही वॉल्स उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं, ठीक। आगे फ्रॉम द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, अब जो फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ है वहाँ से CSF फ्लो करता है थ्रू फोरामिना इन द सबएरेक्नॉइड स्पेस एंड कम्प्लीटली सराउंड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। फोर्थ वेंट्रिकल की जो रूफ है वहां से CSF फ्लो करता है फोरामिना में एंटर करता है, ठीक है, फोरामिना से किस में, सबएरेक्नॉइड स्पेस में, और ये पूरा सराउंड कर लेता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। आगे देयर इज नो इंट्रिंसिक सिस्टम ऑफ CSF सर्कुलेशन बट इट्स मूवमेंट इज एडेड बाय पल्सेटिंग ब्लड वेसल्स रेस्पिरेशन एंड चेंज ऑफ पोस्चर, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, सिस्टम नहीं है इसमें जो कि CSF की सर्कुलेशन को बराबर से चलता रखे, ठीक है, सर्कुलेट करवाता रहे CSF को, बट ये किसके हेल्प के थ्रू, ठीक है, ये मोशन में रहता है CSF, ठीक है, मूवमेंट करता रहता है विद द हेल्प ऑफ द पल्सेटिंग ब्लड वेसल्स रेस्पिरेशन एंड चेंज ऑफ पोस्चर्स, इनकी वजह से इसकी सर्कुलेशन होती रहती है। CSF जो है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली कौन से रेट पे सिक्रीट करता है, 0.5 ml पर मिनट, यानी कि एक दिन में 720 ml। जब भी वीनस प्रेशर हाई हो जाता है CSF से, जो एरेक्नॉइड विलाय है वो कोलैप्स हो जाता है, ताकि जो ये प्रिवेंट करता है ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो CSF में ना एंटर कर जाए, ठीक। जो वॉल्यूम है इट रिमेन्स फेयरली कॉन्स्टेंट एट अबाउट 150 ml एज एब्जॉर्प्शन की पेस विद द सिक्रीशन, ठीक है। जिसकी वॉल्यूम है CSF की वो कितनी नॉर्मल रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है एट अबाउट 150 ml, क्योंकि ये तालमेल बना के रखती है द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड अमाउंट ऑफ सिक्रीशन, ठीक है। जितनी सिक्रीशन हो रही है उतना नॉर्मली अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन चल रही है, ठीक है, ताकि तालमेल सा बना रहता, ओवरफ्लो भी नहीं होता है और कम भी नहीं होता है, ठीक। CSF प्रेशर में भी मेजर्ड यूजिंग अ पर्टिकुलर ट्यूब अटैच टू लंबर पंक्चर नीडल इंसर्टेड इन टू द सब एरेक्नॉइड स्पेस अबव और बिलो द फोर्थ लंबर वर्टिब्रा विच इज बिलो द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर CSF प्रेशर हमें मेजर करना है, वर्टिकल ट्यूब जो है वो अटैच्ड होती है लंबर पंक्चर नीडल के साथ, जिसको कि अंदर इंसर्ट किया जाता है फोर्थ लंबर वर्टिब्रा के बिलो, ठीक है, या फिर अबव, ठीक है, इन टू द सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। अब अभी जो प्रेशर है फेयरली कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, एट अबाउट 10 cm H2O, जब जो पर्सन है वो लाई कर रहा होता अपनी साइड पे, और 30 cm H2O जब वो बैठा होता है, ठीक है। इफ़ द ब्रेन इज एनलार्ज्ड, अगर ब्रेन किसी वजह से एनलार्ज हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी हेमरेज की वजह से,
या ट्यूमर की वजह से, तो क्या हो जाता है, जो CSF का अमाउंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। और जब वॉल्यूम ऑफ ब्रेन टिश्यू इज रिड्यूस्ड, ठीक है, जैसे कि डीजेनरेशन और एट्रॉफी में, तो जो CSF का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक। आगे कंपोजिशन ऑफ CSF, किस किस से बना हुआ है CSF, ठीक है, इट इज अ क्लियर स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है, ये क्लियर है, स्लाइटली एल्कलाइन है, ठीक है, विद अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.005, ठीक है। ये इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, वाटर, मिनरल, सॉल्ट, ग्लूकोज, प्लाज्मा प्रोटीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, अ फ्यू ल्यूकोसाइट्स, ये टिश्यू वाली वीडियो में देख लेना, ठीक है। आगे फंक्शंस क्या हैं CSF के, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को बाय मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म प्रेशर अराउंड दीज वाइटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये एज अ कुशन और शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करता है बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल, ठीक है। इट कीप्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मॉइस्ट एंड देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द CSF एंड नर्व सेल्स, ठीक। CSF इज थॉट टू बी इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रेन। ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 1/5 ऑफ द बॉडी वेट एंड लाइज विद इन द क्रेनियल कैविटी, ठीक है। इसके पार्ट्स कौन से हैं, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम, जिनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक। अब जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन में वो कौन करवाता है, सर्कुलस आर्टीरियोसिस, ठीक है, इसका जिक्र हमने कार्डियोवास्कुलर वाले वीडियो में किया हुआ है, ठीक है। इसकी जो आर्टरीज हैं, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करती है, एक मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है, इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज ग्लूकोज टू द ब्रेन, ठीक है। जो ब्रेन है वो कार्डिक आउटपुट का 15% रिसीव करता है, जो कि नियर अबाउट 750 ml ऑफ ब्लड पर मिनट होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सेरेब्रम का, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट ऑक्यूपाइज द एंटीरियर एंड मिडिल क्रेनियल फोसा। जो सेरेब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का और उसने एंटीरियर और मिडिल क्रेनियल फोसा को ऑक्यूपाई किया हुआ है। फोसा मीन्स डिप्रेशन, ठीक है। आगे इट इज डिवाइडेड बाय अ डीप क्लेफ्ट, ठीक है। डायग्राम में देखो, एक डीप क्लेफ्ट ने, एक डीप फीजर ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल फीजर बोलते हैं, ठीक है, इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ईच कंटेनिंग वन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स। डायग्राम में देखते रहो, ठीक है, एक डीप क्लेफ्ट है जिसका नाम लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फीजर है, जिसने राइट और लेफ्ट पार्ट में सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, और उन दोनों में क्या है, लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, एक राइट साइड पे राइट वाला, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वाला लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट है। डीप विद इन द ब्रेन क्या है, जो हेमिस्फीयर्स है वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ द व्हाइट मैटर, ठीक है, यानी नर्व फाइबर्स, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। डायग्राम में देखो कहाँ है कॉर्पस कैलोसम, ठीक। जो फाल्क सेरेब्री है इज फॉर्म बाय ड्यूरा मैटर, रेट्स द टू हेमिस्फीयर्स एंड पेनिट्रेट्स टू द डेप्थ ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। जो फाल्क सेरेब्री है वो सेपरेट करती है दोनों हेमिस्फीयर को और पेनिट्रेट करती है कॉर्पस कैलोसम की डेप्थ तक, ठीक है। जो सुपरफिशियल पार्ट है सेरेब्रम का वो नर्व सेल बॉडीज या फिर ग्रे मैटर कह लो उसके साथ बना हुआ है, फॉर्मिंग द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड डीपर लेयर कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स और द व्हाइट मैटर, ठीक है। जो अंदर है डीपली कौन से प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर प्रेजेंट है, और जो सुपरफिशियल पार्ट है उसको ग्रे मैटर में बनाया हुआ है पेरिफेरल रीजन को, ठीक। अभी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसमें बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फरोस ऑफ वेरिंग डेप्थ, ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो, साइड में आपको फोल्ड्स दिखते हैं, ठीक है, फरोस दिख रहे हैं, बीच में फोल्ड्स, ये इरेगुलर सी शेप्स हैं, ठीक है, कॉर्नर्स पे देखो आप जैसे, ठीक है। द एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द फोल्ड्स आर कॉल्ड द गायरी, ठीक है, और कॉन्वोल्यूशंस एंड दीज आर सेपरेटेड बाय सल्काई, जिसको हम फीचर्स बोलते हैं। सल्काई देखो कहाँ है डायग्राम में, ठीक है, नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये जो फीचर्स हैं जिसको हम कॉन्वोल्यूशंस भी कहते हैं, ये जो फोल्ड्स हैं, ठीक है, एक्सपोज एरियाज को हम फोल्ड्स बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड गायरी, ठीक है, यानी कि जो एक्सपोज एरिया है उनको हम फोल्ड्स बोलते हैं, कॉन्वोल्यूशंस भी बोलते हैं, गायरी भी बोल देते हैं, और इनको किसने सेपरेट किया हुआ है, सल्काई ने, यानी कि फीजर्स ने, ठीक। ये जो कॉन्वोल्यूशंस है, ठीक है, ग्रेटली इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द सेरेब्रम, ठीक है, इनकी वजह से क्या है, जो सर्फेस एरिया है सेरेब्रम का वो इंक्रीज हुआ हुआ है इन फोल्ड्स की वजह से, कॉन्वोल्यूशंस की वजह से। ईच हेमिस्फीयर ऑफ सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू लोब्स, ठीक है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल लोब। जो बाउंड्रीज हैं इन लोब्स की, दे आर मार्क्ड बाय डीप सल्काई, डीप फीजर्स, ठीक है, जो कि कौन सी हैं,
सेंट्रल लेटरल पेराइटो ऑसिपिटल सल्काय, क्लियर। अब जो सेरेब्रल ट्रैक्ट्स हैं एंड बेसल गैंग्लिया है उनके बारे में पढ़ेंगे। द सर्फेस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज कम्पोज ऑफ ग्रे मैटर, नर्व सेल बॉडीज विद इन द सेरेब्रम, द लोब्स आर कनेक्टेड बाय मास ऑफ नर्व फाइबर्स और ट्रैक्ट्स विच मेक द व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। हम जानते हैं कि ब्रेन के कॉर्नर में यानी पेरीफ्री में कौन सा है, ग्रे मैटर है, और सेंटर में कौन सा है, व्हाइट मैटर है, ठीक है। द एफ्रेंट एंड ईफ्रेंट फाइबर्स लिंकिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेरेब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड आर एस फॉलोज, ठीक है। अब जो अलग अलग फाइबर्स हैं जो कि लिंक करते डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, वो कौन से, सबसे पहले है एसोसिएशन ट्रैक्ट्स, जिनको हम आर्क्यूएट ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। ये क्या कनेक्ट करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बाय एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन गायरस टू अनदर, सम ऑफ विच आर एडजेसेंट एंड सम आर डिस्टेंट, ठीक है। ये जो एसोसिएशन ट्रैक्ट्स हैं ये कनेक्ट करती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को, एक गायरस है इसका जो एक फोल्ड है दूसरे के साथ, जो कि कुछ तो पास में ही एडजेसेंटली अटैच्ड है, कुछ दूर दूर पे भी हैं, ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक। आगे है कमिश्रल ट्रैक्ट्स, कनेक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिश्रल इन द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। ये जो कमिश्रल ट्रैक्ट्स है डायग्राम में देखो, ठीक है, ये कनेक्ट करते हैं टू एरियाज ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, जो दो एरिया उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, और ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ट्रैक्ट है ऑफ कॉर्पस कैलोसम में। आगे बात करते हैं प्रोजेक्शन ट्रैक्ट्स की, ये किसको कनेक्ट करता है डायग्राम में देखो आप, इट कनेक्ट्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, किसके साथ कनेक्ट करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, विद द ग्रे मैटर ऑफ लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। यानी कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसको कनेक्ट करता है ग्रे मैटर ऑफ द लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है, जिसको हम इंटरनल कैप्सूल भी बोलते हैं। इंटरनल कैप्सूल देखो किसको बोलते हैं हम, द इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्शन दैट लाइज डीप विद इन द ब्रेन बिटवीन द बेसल गैंग्ली एंड द थैलेमस, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन है, डायग्राम में आप देख सकते हो किस किस के बीच में, डीप विद इन द ब्रेन बिटवीन द बेसल गैंग्ली एंड द थैलेमस, ठीक। आगे बात करते हैं बेसल गैंग्लिया की, डीप विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर द ग्रुप ऑफ बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लिया, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बिल्कुल अंदर डेप्थ में जाके, ठीक है, क्या है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, ये स्टार्ट करवाती हैं और कंट्रोल करती हैं हमारे बॉडी के कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को, ठीक है, लर्न्ड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज को भी, जैसे कि हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए उठने के वक्त, बैठने के वक्त, हमें वॉक करना कैसे है, ठीक है, कब करना है, कब रुकना है, ठीक है। इफ़ कंट्रोल इज इन एडिक्वेट और एबसेंट मूवमेंट्स आर जर्की क्लम्सी एंड अनकोऑर्डिनेटेड, ठीक है। अगर ये जो कंट्रोल है ये इन एडिक्वेट है या फिर एबसेंट है, तो आपको पता है दौड़े पड़ने लग जाएंगे, है ना, इंसान क्लम्सी हो जाएगा, अनकोऑर्डिनेटेड हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा उससे, ठीक। आगे देखो क्या है फंक्शंस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कौन से फंक्शंस हैं। देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कौन सी हैं वो, मेंटल, सेंसरी, इनिशिएशन एंड कंट्रोल, ठीक है। अब हम देखेंगे मेंटल एक्टिविटीज में क्या क्या इन्वॉल्व है, मेमोरी, इंटेलिजेंस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग, रीजनिंग, मॉरल सेंस एंड लर्निंग, ठीक है। ये मेंटल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जिनको कौन कंट्रोल कर रहे हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आगे सेंसरी परसेप्शन में क्या क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग द परसेप्शन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, साइट, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल, ठीक है, इनको कंट्रोल करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आगे इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड देयरफॉर वॉलंटरी मूवमेंट, राइट। आगे फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स कौन से हैं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल एरिया, अलग अलग टाइप्स के फंक्शनल एरिया, जैसे मोटर, सेंसरी और एसोसिएटेड, ठीक है। मोटर में क्या है, जो कि डायरेक्ट करते हैं स्केलेटल मसल्स को, हमारी जो वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स हैं उनको डायरेक्ट करते हैं। सेंसरी में क्या है, रिसीव एंड डीकोड सेंसरी इम्पल्सेस एनेबलिंग सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, हम जो सेंसेशंस रिसीव करते हैं जैसे ठंडा, गर्म, है ना, फिर उसको डिकोड करना कि ये एक्चुअली में है कौन सा, ठीक है, ताकि हमें ओरिजिनल सेंसरी परसेप्शन मिल पाए। एसोसिएशन विच आर कंसर्न्ड विद इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ कम्प्लेक्स मेंटल फंक्शन सच एज इंटेलिजेंस, मेमरी, रीजनिंग, जजमेंट एंड इमोशंस, ठीक है। अभी जो हमारी बॉडी के फंक्शंस है, जैसे कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटीज है, इंटेलिजेंस है, मेमरी, रीजनिंग, जजमेंट एंड ऑल, ठीक है, इनको भी कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायनसेफलॉन की, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स द सेरेब्रम एंड द मिड ब्रेन, ठीक है। सेरेब्रम और मिड ब्रेन के बीच का कनेक्शन कौन है, डायनसेफलॉन है।
ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर सिचुएटेड अराउंड वेंट्रिकल, द मेन वंस बीइंग द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस. ठीक है, जो डायनसेफलॉन है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सराउंड करते हैं ठीक थर्ड वेंट्रिकल को. ठीक है, इनमें से मेन कौन से हैं, थैलेमस हैं एंड हाइपोथैलेमस हैं. द पाइनियल ग्लैंड एंड द ऑप्टिक कियास्मा आर सिचुएटेड देयर. ठीक है, इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, पाइनियल ग्लैंड एंड ऑप्टिक कियास्मा. ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले थैलेमस की. इट कंसिस्ट ऑफ टू मासेस ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर सिचुएटेड विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलसम वन ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. ठीक है, इसमें क्या है, दो मासेस प्रेजेंट है ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर जैसे, जो कि सिचुएटेड है सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में और किसके बिलो, कॉर्पस कैलसम के बिलो. ठीक है, एक एक साइड पे ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. क्लियर. सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्किन एंड विस्रा सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट टच पेन एंड टेम्परेचर एंड इनपुट फ्रॉम द स्पेशल ऑर्गन्स ट्रैवल टू द थैलेमस. ठीक है, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ठीक है वो इन्फॉर्मेशन जो है सेंड करते हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू थैलेमस, थैलेमस की तरफ भेजते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स. ठीक है, इट इज़ थॉट टू बी इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ सम इमोशंस एंड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस. ठीक है, थैलेमस के बारे में कहा गया है कि ये कुछ इमोशंस और कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है. ठीक है, थैलेमस रिलेज एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स इम्पल्सेस फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, जो थैलेमस है उसको रिले स्टेशन के तौर पे भी माना गया है जो कि रीडिस्ट्रीब्यूट करता है इम्पल्सेस को. ठीक है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से टूवर्ड्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस की. इट इज स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच वेज अराउंड 7 ग्राम एंड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. छोटा बट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसका वेट जो है वो 7 ग्राम है. ठीक है, और इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, नीचे की तरफ और आगे की तरफ ऑफ द थैलेमस. ठीक है, इमीडिएटली अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक, अभी जो हाइपोथैलेमस है ये लिंक्ड है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के साथ. किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर्स. और जो एंटीरियर लोब के साथ ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स. ठीक, अब इन कनेक्शंस के थ्रू जो हाइपोथैलेमस है ये कंट्रोल करता है हमारे हॉर्मोन्स की आउटपुट को दोनों लोब्स के थ्रू. ठीक है, ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. इसके और फंक्शंस कौन से हैं, कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एपिटाइट एंड सेटाइटी, थर्स्ट, वाटर बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर, इमोशनल रिएक्शंस कौन से, प्लेजर, फियर, रेज, सेक्शुअल बिहेवियर एंड चाइल्ड रियरिंग, स्लीपिंग एंड वेकिंग साइकिल्स. ठीक, आगे बात करते हैं ब्रेन स्टेम की. ब्रेन स्टेम में कौन कौन इंक्लूडेड है, सबसे पहले मिड ब्रेन. द मिड ब्रेन इज द एरिया ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड अराउंड द सेरेब्रल एक्वेडक्ट बिटवीन द सेरेब्रम अबव एंड द पॉन्स बिलो. डायग्राम में देखो आप. ठीक है, ये जो मिड ब्रेन है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट के राउंड अबाउट सिचुएटेड है. ठीक है, बिटवीन द सेरेब्रम अबव एंड द पॉन्स बिलो. ठीक है, ऊपर की तरफ कौन है सेरेब्रम और नीचे की तरफ कौन है पॉन्स. ठीक है, उनके बीच में कौन सिचुएटेड है, मिड ब्रेन सिचुएटेड है. ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिया एंड नर्व फाइबर्स जो कि कनेक्ट करते हैं सेरेब्रम को लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड के साथ. ठीक है, जो न्यूक्लियाई है वो एक्ट करती है एज अ रिले स्टेशन फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स. ठीक है, आगे बात करते हैं पॉन्स की. पॉन्स कहाँ पे सिचुएटेड है, इन द फ्रंट ऑफ द सेरेबेलम, बिल्कुल सेरेबेलम के सामने, और बिलो द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे एंड अबव द मेड्यूला एब्लॉन्गेटा. आप डायग्राम में देख सकते हो. ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है, मैनी मेनली नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है इसमें. ठीक है, जो कि ब्रिज फॉर्म करते हैं बिटवीन द टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेरेबेलम. ठीक है, एंड फाइबर्स पासिंग बिटवीन द हाई लेवल्स ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये एक ब्रिज फॉर्म करता है बिटवीन दो हेमिस्फीयर्स ऑफ सेरेबेलम, ठीक है, और फाइबर्स के बीच जो कि पास कर रहे होते हैं फ्रॉम द हायर लेवल्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक, अब जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है पॉन्स का वो सेरेब्रम से थोड़ा सा अलग होता है. इसमें जो सेल बॉडीज होती हैं यानी कि ग्रे मैटर वो डीपली लाई करती हैं और जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो ऑन द सर्फेस एरिया होते हैं. ठीक, आगे बात करते हैं मेड्यूला एब्लॉन्गेटा की. जो मेड्यूला एब्लॉन्गेटा है ठीक वो सिंपली हम उसको मेड्यूला भी बोल सकते हैं. कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, फ्रॉम द पॉन्स अबव, ऊपर की तरफ पॉन्स है मेड्यूला के और इसके नीचे मेड्यूला के कौन है, स्पाइनल कॉर्ड है. राइट, तो इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट लाइज विद इन द क्रेनियम अबव द फोरामेन मैग्नम. फोरामेन मैग्नम एक खाली जगह है ठीक है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में. ठीक है,
तो ये जो मेड्यूला एब्लोंगेटा है ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये क्रेनियम के विदिन है अबव द फोरामेन मैग्नम। इसका जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस है ठीक है, उसमें कौन प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल फीजर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक। अब जो आउटर एस्पेक्ट है वो किससे बना हुआ है, इसका वाइट मैटर के साथ ठीक है, विच पासिस बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ग्रे मैटर विच लाइज सेंट्रली ठीक है। इसका जो आउटर मैटर है वो वाइट मैटर के साथ बना हुआ है ठीक है, जो पास करता है बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और जो ग्रे मैटर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इसमें अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है मेड्यूला एब्लोंगेटा में ठीक। आउटर तरफ कौन प्रेजेंट होता है, वाइट मैटर, और अंदर की तरफ कौन प्रेजेंट होता है इसका, डीपली ग्रे मैटर ठीक है। आगे ठीक, अब इसका जो आउटर एस्पेक्ट है वो किसने बनाया हुआ है, वाइट मैटर ने बनाया हुआ है, और जो सेंट्रल एस्पेक्ट है इसका वो ग्रे मैटर से बना हुआ है ठीक है। सम सेल्स कॉन्स्टिट्यूट रिले स्टेशन फॉर सेंसरी नर्व्स पासिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द सेरेब्रम ठीक है। कुछ सेल्स हैं इसमें जो कि एज अ रिले स्टेशन एक्ट करते हैं फॉर सेंसरी नर्व्स जो कि पास हो रही होती हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द सेरेब्रम। ये कौन सी है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड स्वेलिंग, ये सब का सेंटर कौन है, मेड्यूला एब्लोंगेटा है ठीक है। आपको MCQs में आ सकता है कि राइट डाउन द रेस्पिरेटरी सेंटर ठीक है, तो उसमें चार ऑप्शन दी होंगी, तो आपने मेड्यूला एब्लोंगेटा पे ही टिक करना है ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है, ये एक न्यूरॉन्स का कलेक्शन है, कहाँ पे है, इन द कोर ऑफ द ब्रेन स्टेम जिसको सराउंड किया हुआ है न्यूरल पाथवेज ने, जो कि कंडक्ट करती है किनको, जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व इम्पल्सेस है राइट, जो ब्रेन से लेके बॉडी तक जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ठीक है, इम्पल्सेस उनको, या फिर जो बॉडी से लेके ब्रेन तक जाती हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग नर्व इम्पल्सेस ठीक है, उनको कंडक्ट करती है बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड राइट, इसको हम रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें क्या है, वास्ट नंबर ऑफ साइनेप्टिक लिंक्स है विद अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, हमने जैसे साइनेप्सिस पढ़ा है, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन में क्या है, इसके पास वास्ट नंबर ऑफ साइनेप्टिक लिंक्स है एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन को लिंक करने में, कनेक्ट करने में ठीक है। आगे इसके फंक्शंस क्या है, रेटिकुलर फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केलेटल मसल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट ठीक है। हमारी जो स्केलेटल मसल एक्टिविटी है हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है ठीक है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन, द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक तो हमारा वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट, एक दूसरा हमारा जो बैलेंस कोऑर्डिनेशन है ठीक है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ठीक है, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन नॉर्मल होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन की वजह से ठीक है। एक इसमें खास बात ये है कि सिलेक्टिव अवेयरनेस दैट फंक्शंस थ्रू द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ठीक है। एग्जांपल दी गई है कि जैसे कोई बच्चा बीमार है राइट, उसकी जो मदर है, अगर वो बच्चा जरा सा भी हिलेगा बेड पे, उसकी मदर फटाफट से जाग जाएगी ठीक है, जबकि चाहे पास से कोई ट्रेन जा रही हो या कोई और शोर हो रहा हो, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा उसके स्लीपिंग पैटर्न को ठीक है, वो सोती रहेगी आराम से। बट जब उसका बच्चा बीमार है, अगर वो जरा सा भी बेड पे हरकत कर रहा है, हिल रहा है, उसकी फटाफट से आंख खुल जाएगी ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्लियर। आगे बात करते हैं सेरेबेलम की। सेरेबेलम क्या है, इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द पॉन्स एंड इमीडिएटली बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम ऑक्यूपाइंग द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, पॉन्स के पीछे और इमीडिएटली बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम के पीछे वाले हिस्से के बिल्कुल नीचे है ठीक है, और इसने पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। डायग्राम में आप देख सकते हैं जो हाईलाइटेड पार्ट है दैट इज सेरेब्रम ठीक है। इसकी शेप कौन सी है, ओवॉइड है, और इसमें भी दो हेमिस्फीयर्स हैं जो कि सेपरेट हुए हुए हैं विद द नैरो मीडियम स्ट्रिप कॉल दैट इज वर्मस ठीक है। ग्रे मैटर है जो सरफेस ऑफ द सेरेब्रम को फॉर्म करता है और वाइट मैटर इसमें डीपली लाई करता है ठीक है, जैसे सेरेब्रम में था ठीक। आगे फंक्शंस क्या है सेरेबेलम के, इट इज कंसर्न विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द वॉलेंट्री मसल मूवमेंट पोस्चर एंड बैलेंस ठीक है। ये इन बैलेंस के बीच में, मस्कुलर एक्टिविटीज के बीच में, पोस्चर के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखता है ठीक है। सेरेबेलर एक्टिविटीज नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, ये वॉलेंट्री कंट्रोल के अंडर नहीं है। इम्पल्सिस फ्रॉम द सेरेबेलम इन्फ्लुएंस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल सो दैट बैलेंस एंड पोस्चर आर मेंटेन ठीक है। जो इम्पल्सिस है सेरेबेलम से वो इसको इन्फ्लुएंस करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
स्केलेटल मसल्स को, ठीक है, ताकि बैलेंस और पोस्चर जो है प्रॉपरली मेंटेन रह सके। ठीक है, जो सेरेबेलम है वो लर्निंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है और लैंग्वेज में। ठीक है, अगर ये जो सेरेबेलम है ये डैमेज हो जाए किसी वजह से तो हमें क्या दिखेगा, ये जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द मस्कुलर एक्टिविटी, पोस्चर एंड बैलेंस, ये सारा बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लम्सी अनकोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक, स्टैगरिंग गेट होगा एंड इन एबिलिटी टू कैरी आउट स्मूथ स्टेडी प्रिसाइज मूवमेंट्स। ठीक है, खड़ने का पोस्चर खराब हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो स्मूथनेस थी हमारी एक्टिविटीज़ में, ठीक है, वो सारी खराब हो जाएंगी। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज द एलोंगेटेड ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि वर्टिब्रल कैनाल से सस्पेंड हुई हुई है उसमें। ठीक है, और जिसको सराउंड किया हुआ है मेनिंजस ने और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ने। ठीक है, ये ऊपर की तरफ से मेड्यूला एलोंगेटा की कॉन्टिन्यूएशन है और एक्सटेंड करती है फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द एटलस टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे तक। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है एडल्ट मेल्स में। इसकी जो थिकनेस है नियर अबाउट जो हमारी लिटिल फिंगर है उसके बराबर है। अब जो हम स्पेसिमेन लेते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, वो कहाँ से ले सकते हैं, लंबर रीजन में से ले सकते हैं। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड लंबर पंक्चर। ठीक है, जो नर्व्स हैं इन कन्वे करती हैं इंपल्सिस को ब्रेन से लेके अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज तक, वो किसके थ्रू कन्वे करती हैं, नीचे की तरफ आती हैं ब्रेन से विद द हेल्प ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ट्रैवल होके वो नीचे की तरफ आती हैं, एक अप्रोप्रिएट लेवल पे आके वो कॉर्ड को लीव कर देती हैं और उस स्ट्रक्चर में एंटर कर जाती हैं ये नर्व्स जिस जिसको उन्होंने सप्लाई करना होता है। ठीक है, जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, ठीक है, ऑर्गन्स में से जिन्होंने अपना मैसेज ब्रेन की तरफ कन्वे करना होता है, वो भी स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प लेती हैं। ठीक, आगे है, सम एक्टिविटीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रेन। कुछ एक्टिविटीज हैं स्पाइनल कॉर्ड की जो ब्रेन से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एंड आर कंट्रोल्ड एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बाय स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, जिसको सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है अपने स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के थ्रू। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। एंटीरियरली बाय अ शॉर्ट शैलो मीडियन फीजर और पोस्टीरियरली बाय अ डीप नैरो सेप्टम द पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। ठीक है, इसका जब क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है, जो ग्रे मैटर है, ठीक है, वो सेंटर में प्रेजेंट है और जो वाइट मैटर है वो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, जिसको न्यूरोग्लिया सपोर्ट करता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, जो ग्रे होता है वो सेंटर में होता है, वाइट कॉर्नर्स पे होता है। ठीक है, आगे ग्रे मैटर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ ग्रे मैटर इन द स्पाइनल कॉर्ड रिजेंबल्स द शेप ऑफ लेटर एच, आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, अब तीन तरह के डिविजन्स हैं, दो पोस्टीरियर कॉलम्स, दो एंटीरियर कॉलम्स और दो लेटरल कॉलम्स। ठीक है, अब आगे देखो, जो एरिया ऑफ ग्रे मैटर है, ठीक है, जो ट्रांसवर्सली लाई करता है उसको ट्रांसवर्स कमीशर बोलते हैं। ठीक है, कंटेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, इस ट्रांसवर्स कमीशर में क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है, अभी जो नर्व सेल बॉडीज होते हैं, फर्स्टली दे में भी सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि रिसीव करते हैं इम्पल्सिस फ्रॉम द पेरिफ्री ऑफ द बॉडी, लोअर मोटर न्यूरॉन्स भी हो सकती हैं जो कि ट्रांसमिट करती हैं इम्पल्सिस स्केलेटल मसल्स को, कनेक्टर न्यूरॉन्स भी हो सकती हैं जिनको हम इंटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को लिंक करती है। ठीक है, ठीक है, अब जो पोस्टीरियर कॉलम्स है ग्रे मैटर के, वो किससे बने होते हैं, सेल बॉडी से बने होते हैं। ठीक है, डाटा स्टिमुलेटेड बाय सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम द पेरिफ्री ऑफ द बॉडी, और जो एंटीरियर कॉलम्स होते हैं ग्रे मैटर के वो सेल बॉडीज के कौन से बने होते हैं, फ्रॉम द लोअर मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज से बने होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हाइट मैटर की। ठीक है, व्हाइट मैटर है जो स्पाइनल कॉर्ड्स का, वो तीन कॉलम्स में या ट्रैक्स में अरेंज्ड है, कौन से, एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल में। ये जो ट्रैक्स हैं ये कैसे फॉर्म हुए होते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स असेंडिंग टू द ब्रेन। ठीक है, उन नर्व फाइबर्स जो सेंसरी होती हैं जो कि ब्रेन की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, मोटर नर्व फाइबर्स जो कि ब्रेन से नीचे की तरफ आ रही होती हैं, और फाइबर्स ऑफ कनेक्टर न्यूरॉन्स। ठीक है, जो ट्रैक्स हैं वो अकॉर्डिंगली जो उनके ओरिजिन या डेस्टिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली उसका जो नाम होता है रखा गया है। ठीक है, जैसे स्पाइनोथैलमिक या फिर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं सेंसरी नर्व ट्रैक्ट्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। जो न्यूरॉन्स है वो ट्रांसमिट करते हैं इंपल्सिस को टुवर्ड्स द ब्रेन। ठीक है, जिसको हम सेंसरी बोलते हैं। ठीक है, जो कि ब्रेन की तरफ जाते हैं उनको सेंसरी बोलते हैं। ठीक है, देर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ सेंसेशन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन बाय स्पाइनल कॉर्ड। नंबर वन कौन है, स्किन, और नंबर टू कौन है, टेंडन्स मसल्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, स्किन क्या करते हैं, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, इन द स्किन दैट आर कॉल्ड क्यूटेनियस रिसेप्टर्स। ठीक है, और ये किसके थ्रू स्टिमुलेट होते हैं, दे आर स्टिमुलेटेड बाय द पेन, हीट, टच, कोल्ड, इंक्लूडिंग प्रेशर। ठीक है, इसके तो जो स्किन है इनके थ्रू
जो है सेंस रिसेप्टर्स ब्रेन तक पहुंचते हैं, ठीक है। और जो टेंडन्स मसल्स एंड जॉइंट्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स होती हैं इनके स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम प्रोप्रायोसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रेच, ठीक है। आगे देखो, मोटर नर्व ट्रैक्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में, ये वो न्यूरॉन्स हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सिस को ब्रेन के थ्रू नीचे की तरफ, ठीक है। आर मोटर इफ्रेंट और डिसेंडिंग न्यूरॉन्स, ठीक है, ये ब्रेन से मैसेजेस को, नर्व इम्पल्सिस को कन्वे करवाते हैं टूवर्ड द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, इनकी स्टिमुलेशन क्या क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ठीक है। द सिक्रीशन बाय ग्लैंड्स कंट्रोल्ड बाय नर्व्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक ठीक है। आगे बात करते हैं वॉलेंट्री मसल मूवमेंट की। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स दैट मूव द जॉइंट्स इज अंडर द कॉन्शियस, यानी कि वॉलेंट्री कंट्रोल्स, विच मीन्स दैट स्टिमुलस टू कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेट्स एट द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस इन द सेरेब्रम, ठीक है। ये जो वॉलेंट्री मसल मूवमेंट होती है, इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की, ठीक है, वो अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होती है। इसका जो स्टिमुलस होता है कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन द सेरेब्रम में ओरिजिनेट करता है, ठीक है। इसकी जो इफ्रेंट नर्व इम्पल्सिस है, ठीक है, ब्रेन से कहाँ पे ट्रांसमिट होती हैं, अदर पार्ट्स, ठीक है, बाय अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके जो पाथवेज हैं या फिर ट्रैक्स हैं, या तो वो पिरामिडल होते हैं या फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल होते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट में क्या होता है, जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं मसल एक्टिविटी, किस किस की, जो पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं स्केलेटल मसल मूवमेंट में, और कंट्रोल करती है मसल टोन को, राइट। आगे बात करते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस की। ये तीन एलिमेंट्स होते हैं इनमें प्रेजेंट, सेंसरी न्यूरॉन्स, कनेक्टिव न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो बहुत क्विकली होता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और जो मोटर रिस्पॉन्स होता है वो किसके साथ साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेटेड होता है विद द परसेप्शन ऑफ ब्रेन इन द सेरेब्रम, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस की, ठीक है। ये जो ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस होते हैं, ऑटोनॉमिक मीन्स ऑटोमेटिकली, ठीक है, इनमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, व्हेन द प्यूपिल इमीडिएटली कंस्ट्रिक्ट इन द रिस्पॉन्स टू ब्राइट लाइट प्रिवेंटिंग द रेटिनल डैमेज, ठीक है। जो ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, जो ऑटोमेटिकली बॉडी खुद ब खुद करती है, ठीक है। इनमें क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, हमने पढ़ा हुआ है ना सेंसरी सिस्टम में कि जब भी लाइट ज़्यादा हो जाती है, जो पीपल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा जो एंट्री ऑफ लाइट है आँखों में उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि रेटिनल डैमेज से आँखों को बचाया जा सके, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट। इनको अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद द स्पाइनल नर्व्स। कितनी होती है स्पाइनल नर्व्स? 31 होती हैं। और इनकी जो नेमिंग है, इनकी जो ग्रुपिंग है, ये किसके अकॉर्डिंगली होती है? जिस जिस वर्टिब्रा को, जिस जिस रीजन को ये बिलोंग करती हैं। जैसे 8 सर्वाइकल नर्व्स हैं, 12 थोरेसिक नर्व्स हैं, 5 लंबर हैं, 5 सेक्रल हैं एंड 1 कॉक्सीजियल है, राइट। जो लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सीजियल है, वो स्पाइनल कॉर्ड को कहाँ से लीव करते हैं? इनके टर्मिनेशन पॉइंट के लेवल से लीव करते हैं, ठीक है, यानी कि एट द लेवल ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स इनसाइड द वर्टिब्रल कैनाल, ठीक है। और ये अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जो वर्टिब्रल कैनाल है उसके अंदर जाती हैं, इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस, फॉर्मिंग अ शीफ ऑफ नर्व्स विच रिजेंबल्स अ हॉर्स टेल कॉल्ड कॉडा इक्विना, ठीक है। ये क्या करती हैं? वर्टिब्रल कैनाल के बिल्कुल डीपली जाके सब एरेक्नॉइड स्पेस में एंटर कर जाती हैं, और वहां जाके क्या करती हैं ये नर्व्स? एक घोड़े की पूंछ की तरह, राइट, टेल की तरह, हॉर्स टेल की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कॉडा इक्विना बोलते हैं, राइट। आगे है नर्व रूट्स। द स्पाइनल नर्व अराइजेस फ्रॉम बोथ साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं। ईच नर्व जो है वो किस चीज से बनी होती है? फॉर्म बाय यूनियन ऑफ मोटर एंड सेंसरी नर्व रूट एंड इज देयरफॉर कॉल्ड मिक्स नर्व, ठीक है। मिक्स नर्व का नाम ही बता रहा, इंडिकेट कर रहा है कि ये मोटर और सेंसरी दोनों तरह की होती है, ठीक है। जो एंटीरियर नर्व रूट है वो मोटर नर्व फाइबर्स को बनाती है, और जो पोस्टीरियर नर्व रूट है वो सेंसरी फाइबर्स को बनाती है, राइट। आगे सेंसरी नर्व फाइबर्स पास थ्रू दीज गैंग्लिया बिफोर एंटरिंग द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। द एरिया ऑफ द स्किन हुज सेंसरी रिसेप्टर्स कंट्रीब्यूट टू ईच नर्व इज कॉल्ड डर्मेटोम, ठीक है। जो सेंसरी रिसेप्टर्स की स्किन है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, डर्मेटोम बोलते हैं, जो कि नर्व्स को कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। आगे ब्रांचेस की बात करें, स्पाइनल नर्व डिवाइड इनटू ब्रांचेस और रेमाए, ठीक है। क्या क्या नाम है? अरामस, कम्युनिकेंस,
अ पोस्टीरियर रैमस एंड इंटीरियर रैमस, ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट प्लेक्सस, ये जो सर्वाइकल लंबर एंड सेक्रल रीजन्स हैं, ठीक है, इनमें जो एंटीरियर एमआई होती हैं वो क्या करती हैं, यूनाइट करती हैं और लार्ज मासेस ऑफ नर्व्स, ठीक है, नर्व्स का गुच्छा बना देती हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, प्लेक्सस बोल देते हैं। देयर नर्व फाइबर्स आर रीग्रुप्ड एंड रीअरेंज बिफोर प्रोसीडिंग टू सप्लाई स्किन बोन्स मसल्स एंड ज्वाइंट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। यहाँ पे इस प्लेक्सस पॉइंट में क्या होता है, जो नर्व फाइबर्स होती हैं वो अपने आप को रीग्रुप करती है, रीअरेंज करती है, ताकि इनको पता चल जाता है इन्होंने एक बंच में कौन से ऑर्गन्स को सप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल स्किन को कौन सी को सप्लाई करना है, बोन्स मसल्स ज्वाइंट्स, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाती है। These structures have a nerve supply from more than one spinal nerve and therefore damage to one spinal nerve does not causes loss of a function of that region. ठीक है, अब ये जो structures होते हैं, ठीक है, इनमें great nerve supply होती हैं, ठीक है, और ये एक से ज़्यादा spinal nerve से supply करवाती हैं, ताकि अगर एक spinal nerve damage हो जाए तो उस particular region को जो है blood supply की कमी ना हो पाए, right? आगे देर आर फाइव लार्ज प्लेक्सेस और मिक्स नर्व फॉर्म्ड ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, हर पार्ट में, हर वर्टिब्रल कॉलम के ईच साइड पे क्या है, ठीक है, फाइव प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं, वो कौन से हैं, सर्वाइकल, ब्रेकियल, लंबर, सेक्रल एंड कॉकीजियल प्लेक्सेस, राइट। अब इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद द सर्वाइकल प्लेक्सेस। This is formed by the anterior MI of the first four cervical nerves. Okay, अभी किससे form हुए हैं, anterior MI से first four cervical nerves के साथ। It lies deep within the neck opposite the first, second, third and fourth cervical vertebra under the protection of the sternocleidomastoid muscle. ठीक है, अभी कहाँ पे lie करता है ये जो cervical plexus है, ठीक है, within the neck ऑपोजिट साइड किसके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा के, और अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल, ठीक है, स्टर्नो क्या है, स्टर्नम, क्लीडो क्या है, हमारे जो शोल्डर बोन है, मेस्टॉइड मेस्टॉइड बोन है, ठीक है, इनके यहाँ पर जो है एरिया में, रीजन में, ठीक है, वहां पे ये जो सर्वाइकल प्लेक्सस है प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी जो सुपरफिशियल ब्रांचेस होती हैं किसको सप्लाई करती हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स को, बैक साइड वाले को और साइड ऑफ द हेड एंड स्किन ऑफ द फ्रंट नेक टू द लेवल ऑफ द स्टर्नम, ठीक है, इन एरियाज को सप्लाई करती हैं सुपरफिशियल ब्रांचेस, और जो डीप होती हैं वो मसल्स ऑफ नेक को सप्लाई करती है, यानी कि स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एंड द ट्रेपीजियस, ट्रेपीजियस कहाँ है, बैक पे, ठीक है, राइट। अब ये जो फ्रेनिक नर्व है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ठीक है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सर्वाइकल रूट से और नीचे की तरफ पास करती हैं थोरैसिक कैविटी में, ताकि ये रूट ऑफ द लंग्स को सप्लाई कर सकें और साथ ही साथ डायफ्राम को सप्लाई करें, जिससे क्या होगा, जो प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन है, सांस अंदर जाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो इनिशिएट हो सके, ठीक है। बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की, जो एंटीरियर एमआई है नीचे की चार सर्वाइकल नर्व्स का और जो लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट थोरैसिक नर्व का, ये मिलकर किसको फॉर्म करती हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस को फॉर्म करती हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो प्लेक्सस होते हैं ये डीपली सिचुएटेड होते हैं नेक के अंदर, शोल्डर के ऊपर, ठीक है, सब क्लेवियन वेसल्स के पीछे और एक्सिला के अंदर, राइट, ठीक है। इसको डीपली जानने के लिए आप एक बारी कार्डियोवैस्कुलर वाली वीडियो जरूर देख लेना एक बारी, ठीक है। द ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस सप्लाई द स्किन एंड द मसल्स ऑफ अपर लिम्स एंड सम ऑफ द चेस्ट मसल्स, ठीक है। अभी जो ब्रांचेस है ब्रेकियल प्लेक्सस की, ये स्किन को और मसल्स हैं जो अपर लिम्स की, उनको सप्लाई करती हैं और कुछ मसल्स ऑफ चेस्ट को सप्लाई करती हैं, ठीक है। आगे है फाइव लार्ज नर्व्स एंड अ नंबर ऑफ स्मॉलर वंस इमर्ज फ्रॉम दिस प्लेक्सस, ठीक है, बड़ी बड़ी पांच नर्व्स, ठीक है, और कुछ छोटी नर्व्स भी इन प्लेक्सस से जो है इमर्ज करती है, ओरिजिनेट कर, कौन सी है, एक्सिलरी नर्व C5-6, रेडियल नर्व C5-C6, C7-C8, ठीक है, और T1 थोरैसिक 1, राइट। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व कौन सी है, C5-6-7, मीडियन नर्व ओरिजिनेट करती है 5-6-7-8 एंड T1, अल्नर नर्व C7-8 एंड T1, मीडियल क्यूटेनियस नर्व C8 एंड T1। प्लीज आप एक बारी कार्डियोवैस्कुलर वीडियो जो है जरूर देखना, आपको ये याद करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आगे है एक्सिलरी सर्कम्फ्लेक्स नर्व कौन सी होती है, एक्सिला रीजन कौन सा होता है, बाइंड्स अराउंड द ह्यूमरस एट द लेवल ऑफ द सर्जिकल नेक,
ठीक है, ये जो ह्यूमरस है, ठीक है, सर्जिकल नेक के पास, जो हमारे नेक के पास का रीजन है, एक्जिला कहाँ होता है वहाँ का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से वाइंड होके ये क्या करती है, ब्रेकअप हो जाती है छोटे छोटे ब्रांचेस में, ताकि जो हमारा डेल्टॉइड मसल है, ठीक है, उसको सप्लाई कर सके, शोल्डर जॉइंट को सप्लाई कर सके, और उसके ऊपर की जो स्किन है उसको सप्लाई कर सके, ठीक है। रेडियल नर्व, ठीक है, रेडियल नर्व, अब आपको पता है रेडियल रीजन कौन सा है, ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है, इट सप्लाइज द ट्राइसेप्स मसल बिहाइंड द ह्यूमरस, ह्यूमरस के पीछे वाले मसल्स, ठीक है, और क्रॉस करके फिर फ्रंट की तरफ आते हुए एल्बो जॉइंट को सप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर फोरआर्म के पीछे वाले एरिया को सप्लाई करते हैं, और फिर रिस्ट और फिंगर जॉइंट्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे वहां से इट कंटिन्यूज टूवर्ड्स द बैक ऑफ द हैंड टू सप्लाई द स्किन ऑफ थंब, द फर्स्ट टू फिंगर्स एंड द लेटरल हाफ ऑफ द थर्ड फिंगर, ठीक है, इन सारे एरियाज को सप्लाई करते हुए ये क्या करती है, हाथ के पीछे की तरफ जाकर, ठीक है, जो थंब की स्किन है उसको सप्लाई करती है, फर्स्ट टू फिंगर्स को सप्लाई करती है, और जो हमारी थर्ड फिंगर है, ठीक है, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, उसके लेटरल हाफ को सप्लाई करती है, ठीक। मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व की बात करते हैं, ठीक है, ये नर्व कहाँ है डायग्राम में आप देखो, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ पास होती है, ठीक है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म, जो हमारे फोरआर्म है उसके साइड वाले एरिया से पास होकर ये किसको सप्लाई करती है, मसल्स ऑफ द अपर आर्म एंड द स्किन ऑफ द फोरआर्म, इनको सप्लाई करती है। आगे मीडियन नर्व कहाँ है, डाउन द मिड लाइन ऑफ द आर्म इन क्लोज एसोसिएशन विद द ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, मीडियन नर्व डायग्राम में देखो आप कहाँ पे है, ठीक है, ये सेंटर से पास होकर क्या है, ब्रेकियल आर्टरी के साथ इसका कनेक्शन होता है, एसोसिएशन होता है, ठीक है, वहां से कंटिन्यू करती है हाथ में, ठीक है, जहाँ पे थंब के फ्रंट वाले पार्ट को सप्लाई करती है, फर्स्ट टू फिंगर्स को सप्लाई करती है, ठीक है, लेटरल हाफ ऑफ द थर्ड फिंगर को भी ये सप्लाई करती है, ठीक है। राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट अल्नर नर्व, आप प्लीज एक बार कार्डियोवैस्कुलर वीडियो जरूर देखना, आपको ये सारे पार्ट्स पता चल जाएंगे, ब्रेकियल कौन सा है, मीडियल कौन सा है, अल्नर कौन सा है, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाएगा और साथ के साथ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो अल्नर नर्व है, ठीक है, वो अपर आर्म के थ्रू, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाके सप्लाई करती है, इन द मसल्स ऑफ द अल्नर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म, ठीक है। अब ये जो अल्नर एस्पेक्ट कौन सा है, ये जो हमारी लिटिल फिंगर है, ठीक है, साइड वाला एरिया है हाथ का, थंब वाला तो रेडियल माना जाता है, थंब की साइड वाला सारा, ठीक है, और ये जो अल्नर वाला है वो लिटिल फिंगर की तरफ का पार्ट होता है, आप कार्डियोवास्कुलर में देख लेना एक बारी, ठीक है। तो ये कहाँ से सप्लाई करती है, आर्म से नीचे उतरते हुए, ठीक है, इन द पाम ऑफ द हैंड, फिर स्किन ऑफ द होल लिटिल फिंगर एंड द मिडियल हाफ ऑफ द थर्ड फिंगर, राइट, उसको सप्लाई करती है, क्लियर। आगे बात करते हैं लंबर प्लेक्सस की, द लंबर प्लेक्सस इज फॉर्म बाय द एंटीरियर एमआई ऑफ द फर्स्ट थ्री एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ द लंबर नर्व्स, ठीक है, इन पार्ट्स के साथ मिलके बनी होती है। इसकी मेन ब्रांचेस कौन सी होती है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इनगाइनल नर्व, जेनेटो फिमोरल, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, फिमोरल नर्व, ऑब्टुरेटर नर्व, लंबोसेक्रल ट्रंक, ठीक है, ये सारे आपने सच ही याद कर लेने हैं, जैसे इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व L1, ठीक है, ऐसे ही याद करके आपने एग्जाम में जाना है। अब बात करते हैं वन बाय वन, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इनगाइनल एंड जेनेटो फिमोरल नर्व्स, ठीक है, ये कौन सी होती हैं, ये सप्लाई करती हैं किस किस को, मसल्स ऑफ स्किन, मसल्स एंड स्किन किसके, लोअर एब्डोमेन, अपर एंड मीडियल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई एंड इनगाइनल रीजन, ठीक है, इन सारे को ये तीनों मिलके सप्लाई करती हैं। आगे लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई सप्लाइज द स्किन ऑफ लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, साइड वाला हिस्सा ऑफ थाई, ठीक है, इंक्लूडिंग किस किस को, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्फेसिस, ठीक है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई को सप्लाई करती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों तरफ से, राइट। अब ये जो फिमोरल नर्व है ये लार्जेस्ट ब्रांच है, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांचेस हैं ये, ठीक है, इस ये कहाँ से कहाँ तक सप्लाई करते हैं, बिहाइंड द इनगाइनल लिगामेंट, थाई के अंदर एंटर करती है, ठीक है, और फिमोरल आर्टरी के इर्द गिर्द सप्लाई करती है, क्लियर। अब बात करते हैं सेक्रल प्लेक्सस की, सेक्रल प्लेक्सस कैसे फॉर्म होती हैं, ठीक है, ये किन दो चीजों से मिलकर जुड़ी होती हैं, नंबर वन इज लंबोसेक्रल ट्रंक और फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेक्रल नर्व्स के साथ मिलकर ये बनी होती है। लंबोसेक्रल ट्रंक जहाँ पे लंबर रीजन और सेक्रल रीजन जुड़ता है और फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेक्रल नर्व्स से मिलकर ये प्लेक्सस बनते हैं, राइट। द लंबोसेक्रल ट्रंक इज फॉर्म बाय द फिफ्थ एंड फोर्थ
लंबर नर्व्स, ठीक है। आगे ये कहाँ पे लाई करता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द पेल्विक कैविटी, ठीक है। जो सेक्रल प्लेक्सस है ये डिवाइड होते हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस में ताकि ये सप्लाई कर सके मसल एंड स्किन किस किस के, पेल्विक फ्लोर के, हिप एंड जॉइंट के इर्द गिर्द एंड पेल्विक ऑर्गन्स को भी सप्लाई कर सके, ठीक है। जो शियाटिक नर्व है ये 2 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है, और ये पास करती है ग्रेटर शियाटिक फोरामेन इनटू द बटक, देन डिसेंड्स थ्रू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई सप्लाइंग द हैमस्ट्रिंग मसल्स, ठीक है। ठीक, अभी जो शियाटिक नर्व है ये कहाँ से पास होती है, ये पास करती है ग्रेटर शियाटिक फोरामेन, फोरामेन क्या होता है, खाली सा कैविटी होती है, ठीक है, वहां से पास करके बटक में एंटर करती है, फिर वहां से डिसेंट होके पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, थाई के पीछे वाले हिस्से में जाती है और फिर सप्लाई करती है हैमस्ट्रिंग मसल्स को, यानी नी का जो बैक साइड का एरिया है पीछे वाला उसको हम हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं, इन सबको ये सप्लाई करती है शियाटिक नर्व, ठीक है। एट द लेवल ऑफ मिडल ऑफ द फीमर इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द टीबियल एंड द कॉमन पेरोनियल नर्व्स, ठीक है। मिडल ऑफ द फीमर में जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, टीबियल में और कॉमन पेरोनियल नर्व्स, ठीक है। वन ऑफ द मेन ब्रांचेस इज सीरल नर्व विच सप्लाइज द टिश्यू इन द एरिया ऑफ द हील, द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द एंकल एंड द पार्ट ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फूट, ठीक है। आगे इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ जाती है, एक सीरल नर्व होती है, ठीक है, वो किसको सप्लाई करती है, हील वाले एरिया को, हमारे पैर की एड़ी को, ठीक है, साइड वाले एरिया ऑफ एंकल को और हमारे पैर के पंजे को सप्लाई करती है, ठीक है। प्यूडेंटल नर्व, प्यूडेंटल नर्व क्या है, पेरिनियल एरिया में होती है, द पेरिनियल ब्रांच सप्लाईज द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर एंड एडजेसेंट स्किन, ठीक है। इनके बारे में आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देख लेना। आगे है कॉकीजियल प्लेक्सस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटा प्लेक्सस होता है जो कि फॉर्म होता है फोर्थ एंड फिफ्थ सेक्रल एंड कॉकीजियल नर्व्स के साथ मिलके, ठीक है। ये जो नर्व्स है ये इस प्लेक्सस में जाके किसको सप्लाई करती हैं, फॉर्म करती हैं, क्यों, ताकि स्किन जो है कॉकिक्स का नियर बाय एंड जो एनल एरिया है उसके नियर बाय के स्ट्रक्चर्स को, उसके स्किन को ये सप्लाई कर सकें, राइट। आगे है थोरेसिक नर्व्स, ठीक है, ठीक है। देर आर 12 पेयर्स एंड द फर्स्ट 11 आर द इंटरकोस्टल नर्व्स। इंटरकोस्टल नर्व्स के बारे में हमने रेस्पिरेटरी वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है, आप देख लेना एक बार जरूर, ठीक है। दे पास बिटवीन द रिब्स सप्लाइंग देम द इंटरकोस्टल मसल्स एंड ओवरलाइन स्किन, ठीक है। थोरेसिक नर्व्स कहाँ से पास होती हैं, रिब्स के थ्रू उनको सप्लाई करती जाती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स में एंटर करती हैं और उसके ओवरलाइन स्किन को सप्लाई करती हैं। द 12th पेयर कंप्राइसेस द सबकोस्टल नर्व, ठीक है। जो 12th पेयर है, ठीक है, वो एज अ सबकोस्टल नर्व एक्ट करती हैं। 7 to 12 थोरेसिक नर्व्स ऑल्सो सप्लाई द मसल्स एंड स्किन ऑफ द पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स, ठीक है। 7 से लेके जो 12 तक थोरेसिक नर्व्स हैं वो पोस्टीरियर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स को और उसकी स्किन को सप्लाई करती हैं, राइट। आगे बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर्स हैं ये। कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, फ्रॉम द न्यूक्लियाई इन द इन्फीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन, ठीक है, नीचे वाले सरफेस ऑफ ब्रेन से, ठीक है। इनमें से कुछ सेंसरी है, कुछ मोटर है, कुछ मिक्स्ड है, ठीक है। कौन सी लेट्स सी, इनको एज सच ही आपने नंबरिंग करनी है, एज सच ही लिखना है, ये नहीं है कोई आगे पीछे कर दो, एज सच ही लिखना है, राइट। सो पहली कौन सी है, ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी कौन सी है, सेंसरी है, ऑप्टिक भी सेंसरी है, ऑक्यूलोमोटर मोटर है, ट्रोक्लियर भी मोटर है, ट्राइजेमिनल मिक्स्ड है, एब्ड्यूसेंट मोटर है, फेशियल मिक्स्ड है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर ऑडिटरी है, ठीक है, यानी सेंसरी है, ठीक है। ग्लॉसोफेरिंजियल मिक्स्ड है, अगेन वेगस मिक्स्ड है, एसेसरी मोटर है, हाइपोग्लॉसियल मोटर है। इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद द ओल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है, जो कि सेंसरी है, हमने इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में या सेंसरी सिस्टम में पढ़ा हुआ, आप एक बार ही जरूर देखना, राइट, दोनों में जिक्र किया हुआ है इसका। दीज आर द नर्व्स ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, राइट, ये हमें सेंस प्रोवाइड करती है स्मेल की। सेंसरी रिसेप्टर्स एंड नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट इन द अपर पार्ट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है। जो इनके सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं ये अपर पार्ट ऑफ द नोज के यानी नेजल कैविटी से ओरिजिनेट करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन एरिया से, ठीक है। इसके जो नर्व्स है फिर ये कहाँ से प्रोसीड करते हैं, बैकवर्ड ऑफ एज द ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट टू द एरिया फॉर परसेप्शन ऑफ स्मेल इन द टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रम, ठीक है। नर्व्स पीछे से नाक के स्टार्ट होके टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रम तक जाते हैं ताकि वहां पे इसकी जो परसेप्शन है स्मेल की वो हो सके, राइट। आगे बात करते हैं ऑप्टिक नर्व्स जो कि सेंसरी है, वी नो ऑप्टिक मीन्स इट इज रिलेटेड विद द साइट, आई साइट, राइट।
ये नर्व फाइबर्स जो हैं कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, इन रेटिना ऑफ द आइज, और कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व्स। इसको हमने डिटेल्स में सेंसरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है, प्लीज एक बार जाके देख लेना, ठीक है। इन द ऑसिपिटल लोब साइट इज परसीव, ठीक है, ऑसिपिटल लोब जो हमारे सर का पीछे वाला हिस्सा है वहां पे साइट परसीव होती है। एंड इन द सेरेबलम द इम्पल्सिस फ्रॉम द आइज कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस पोस्चर एंड ओरिएंटेशन ऑफ द हेड इन द स्पेस, ठीक है। और क्या है, सेरेबलम में जाके जो नर्व इम्पल्सिस हैं, ठीक है, आंखों की, ये क्या कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे बैलेंस के मेंटेनेंस में, ठीक है, पोस्चर ओरिएंटेशन ऑफ द हेड इन स्पेस, राइट। ये सारा हमने सेंसरी सिस्टम वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है बिल्कुल डिटेल्स। आगे बात करते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, यानी कि जो मोटर है इनका फंक्शन, ठीक है। ये नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, फ्रॉम द न्यूक्लिया नियर द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। सेरेब्रल एक्वेडक्ट का जिक्र हमने स्टार्टिंग में कर लिया है, आप देख लेना उसमें, ठीक है। दे सप्लाई, अब ये आंखों के 6 मसल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपको रोटेट करने में, उन 6 मसल्स में से ये 4 को सप्लाई करती हैं, और वो 4 कौन से हैं, सुपीरियर, मीडियल एंड इन्फीरियर रेक्टाई एंड द इन्फीरियर ऑब्लिक मसल, इनको सप्लाई करती हैं, ठीक है। और जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं कौन से इसको सप्लाई करती हैं, ये सिलियरी मसल्स को एंड सर्कुलर मसल्स ऑफ द आयरिस, ठीक है। सिलियरी मसल्स कौन से, जो कि ऑल्टर करते हैं शेप ऑफ द लेंस, चेंजिंग इट्स रिफ्रैक्टरी पावर, सेंसरी सिस्टम में देख लेना, ठीक है। सर्कुलर मसल्स ऑफ द आयरिस विच कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल, द लिवेटल पैल्पेब्रेरी मसल्स विच रेज द अपर आईलिड, ठीक है। सर्कुलर मसल्स ऑफ द आयरिस, ठीक है, जो कि हेल्प कराते हैं प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवाने में, और जो लिवेटर पैल्पेब्रे है, ठीक है, वह हमारे जो अपर आईलिड्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, रेस करते हैं, उनको सप्लाई करती है, ठीक है। आगे है ट्रोक्लियर नर्व्स, जो कि मोटर होती हैं। दीज नर्व अराइज फ्रॉम न्यूक्लियाई नियर द सेरेब्रल एक्वेडक्ट, दे सप्लाई द सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ द आई, राइट। आगे है ट्राइजेमिनल, जिसको हम मिक्स्ड नर्व्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये नर्व्स दोनों सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर्स की इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं, ठीक है। एंड दीज आर अमंग्स द लार्जेस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, दे आर द चीफ सेंसरी नर्व्स फॉर द फेस एंड हेड, इंक्लूडिंग द ओरल एंड द नेजल कैविटीज एंड द टीथ, रिसीविंग इंपल्सिस ऑफ पेन, टेम्परेचर एंड टच, ठीक है। ये मेन सेंसरी नर्व्स है फेस और हेड के पार्ट के लिए, ठीक है, जिन जिन का जिक्र किया हमने इंक्लूडिंग वाले में, जैसे ओरल, नेजल कैविटीज एंड टीथ, ठीक है, ताकि ये जो सेंसेशंस हैं वहां की पर्टिकुलर जगह को दिलवा सके कि पेन हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर कैसा है या फिर टच कैसा है, ठीक है। द मोटर फाइबर्स स्टिमुलेट द मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, यानी कि च्यूइंग प्रोसेस की, ठीक। जो ऑप्थाल्मिक नर्व्स हैं वो सेंसरी होती हैं, ठीक है, और सप्लाई करती हैं लेक्राइमल ग्लैंड्स को, कंजक्टिवा ऑफ आईज, फोरहेड, आईलिड्स, एंटीरियर रेस्पेक्ट ऑफ द स्कैल्प एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, ठीक है। इनको जो ऑप्थाल्मिक नर्व्स हैं इन पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई करती हैं, ठीक है। द मैक्सिलरी नर्व्स, अब मैक्सिलरी नर्व्स कौन सी होती है, ये भी सेंसरी नर्व्स ही होती हैं, ठीक है, और ये सप्लाई करती हैं चीक्स को, अपर गम्स को, अपर टीथ एंड लोअर आईलिड्स को, ठीक है। जो मैंडिबुलर नर्व्स होती हैं ये दोनों कैरी करती है सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर्स को, ठीक है, ये लार्जेस्ट है इन तीनों में से, ठीक है। और ये क्या सप्लाई करती हैं, किस किस एरिया को, टीथ को, गम्स ऑफ लोअर जॉ, पिन ऑफ द ईयर्स, लोअर लिप एंड टंग, इन पार्ट्स को सप्लाई करती हैं। जो मोटर नर्व फाइबर्स होती हैं वो सप्लाई करती हैं जो मसल्स च्यूइंग में हेल्प करते हैं, मास्टिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये बात करते हैं एब्ड्यूसेंट नर्व्स की, जो कि मोटर नर्व्स होती हैं, ठीक है, ये कहाँ से अराइज करती हैं, फ्रॉम द न्यूक्लियाई लाइंग अंडर द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। ये किसको सप्लाई करती हैं, लेटरल रेक्टस मसल्स ऑफ द आईबॉल्स कॉसिंग एब्डक्शन, ठीक है। ये जो साइड वाली आईज की मसल्स होती हैं, ठीक है, उनको ये सप्लाई करती हैं ताकि एब्डक्शन का प्रोसेस इजीली हो सके, ठीक, इसलिए इनका नाम एब्ड्यूसेंट नर्व्स पड़ा है, ठीक, राइट। आगे बात करते हैं फेशियल नर्व्स की, ठीक है। इसमें दोनों तरह के नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, मोटर और सेंसरी नर्व फाइबर्स, जो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, लोअर पार्ट्स ऑफ द पॉन्स के, ठीक है। मोटर नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन वाले मसल्स को, और जो सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक कन्वे करवाते हैं नर्व इम्पल्सिस को, टेस्ट बर्ड्स जो हैं इन द एंटीरियर टू थर्ड्स ऑफ द टंग से लेके, ठीक है, जहाँ पे जो टेस्ट का परसेप्शन होता है इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स वहां तक, राइट।
आगे बात करते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर यानी कि ऑडिटरी नर्व्स की, जो कि सेंसरी हैं, ठीक है। इसको हमने ईयर वाले चैप्टर में यानी सेंसरी चैप्टर में बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ा हुआ है, आप एक बार जरूर देख लेना वो वीडियो, ठीक है। ये दो नर्व्स के साथ मिलकर बनी हुई है, वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर नर्व्स की। वेस्टिबुलर नर्व्स हैं, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ इनर ईयर से अराइज होती हैं और कन्वे करती हैं इम्पल्सिस को सेरेबेलम की तरफ, ठीक है। और ये किसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस के साथ, ठीक है। और जो कॉक्लियर नर्व्स होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं द स्पायरल ऑर्गन या फिर ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ठीक है, इन द इनर ईयर, और कहाँ कन्वे करती है इम्पल्सिस को, टू द हियरिंग एरिया इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स वेयर द साउंड इज परसीव्ड। इसको हमने डिटेल्स में पढ़ा हुआ है सेंसरी सिस्टम में। कहते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स की, जो कि मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, ठीक है। इसके जो मोटर फाइबर्स होते हैं, ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, मेड्यूला ब्लॉन्गेटा से, और किसको स्टिमुलेट करते हैं, मसल्स ऑफ टंग एंड फैरिंग्स, सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द पैरोटिड जिसको सेलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। और सेंसरी जो सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं वो किसको कन्वे करते हैं इम्पल्सिस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले पार्ट को, फ्रॉम द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग, टॉन्सिल्स, फैरिंग्स एंड फ्रॉम द टेस्ट बड्स इन द टंग एंड फैरिंग्स, ठीक है। यहाँ से जो सेंसरी नर्व फाइबर्स है उसको कन्वे करवाते हैं, ठीक है। जो नर्व्स हैं, ठीक है, दीज आर असेंशियल फॉर स्वेलोइंग एंड गैग रिफ्लेक्सेस, ठीक है। सम फाइबर्स कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम द कैरोटिड साइनस विच प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसके जो कुछ फाइबर्स हैं वो कंडक्ट करते हैं इम्पल्सिस को फ्रॉम द कैरोटिड साइनस, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अब आगे है टेंथ नर्व, जो कि मिक्स्ड नर्व है, जिसको हम वेगस नर्व बोलते हैं, राइट। ये जो नर्व्स हैं इसका ज्यादा एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है किसी और क्रेनियल नर्व्स के कंपैरेटिवली, ठीक है, और इनका नाम रखा गया है वॉन्डरर, ठीक है। ये क्या करती हैं, पास होती हैं नेक के थ्रू इनटू द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन, ठीक है। ये जो नर्व्स हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करती हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का। इसकी जो मोटर फाइबर्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, मेड्यूला से, और सप्लाई किसको करती हैं, ये स्मूथ मसल्स को, सिक्रेटरी ग्लैंड्स ऑफ फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, हार्ट, कैरोटिड बॉडी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, एक्सोक्राइन, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, स्प्लीन, किडनी, यूरिटर एंड ब्लड वेसल्स इन द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इलेवेंथ नर्व की, जो कि एसेसरी नर्व्स है, जो कि मोटर नर्व्स होती हैं, ठीक है। ये जो नर्व्स है अराइज फ्रॉम द न्यूक्लिया इन द मेड्यूला ब्लॉन्गेटा एंड इन द स्पाइनल कॉर्ड, ये किसको सप्लाई करती हैं, स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड एंड ट्रेपीजियस मसल, डायग्राम में आप देख सकते हो इनकी लोकेशंस, ठीक है। इसकी जो ब्रांचेस हैं ये ज्वाइन करती हैं वेगस नर्व्स के साथ और सप्लाई करती हैं फेरिंजियल एंड लेरिंजियल मसल्स को भी, ठीक है। आगे है हाइपोग्लॉसल नर्व्स, हाइपोग्लॉसल नर्व्स जो है ये मोटर होती हैं, ठीक है। ये कहाँ से अराइज करती हैं, मेड्यूला ब्लॉन्गेटा अगेन, ठीक है, और ये सप्लाई करती हैं टंग एंड मसल्स ऑफ हायोइड बोन एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स स्वेलोइंग एंड स्पीच, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रेनियल नर्व्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है, ये इनवॉलेंट्री पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो कि हमारे ऑटोमेटिक फंक्शंस ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, इनिशिएट कहाँ से होते हैं, ब्रेन में, बिलो द लेवल ऑफ सेरेब्रम, राइट। फॉर एग्जांपल एन इंक्रीजिंग हार्ट रेट, अभी जो हार्ट रेट बढ़ती है कम होती है हमारे हाथ में नहीं है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसको कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री पार्ट, राइट। द इफेक्ट्स ऑफ ऑटोनॉमिक एक्टिविटी आर रैपिड एंड द इफेक्टेड ऑर्गन्स आर, अभी जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी है ये रैपिड होती है, ठीक है। ऑर्गन्स कौन से इफेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल, ठीक है, चेंजेस इन एयरवे और ब्लड वेसल डायमीटर, ये हमारी मर्जी से तो होते नहीं है, राइट, ये ऑटोमेटिकली होते हैं, ठीक। आगे है कार्डियक मसल, चेंजेस इन द रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट, ग्लैंड्स में क्या चेंजेस आते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, राइट। आगे ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सिंस द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ओरिजिनेट इन द स्पाइनल कॉर्ड एट द थोरैसिक एंड लंबर लेवल्स, राइट, ये जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है ये कहां से ओरिजिनेट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे, थोरैसिक एंड लंबर लेवल से, राइट। आगे द टू डिविजन्स हैव बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस, इन दोनों में स्ट्रक्चर भी अलग अलग है और इसके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। दे नॉर्मली वर्क इन अपोजिंग मैनर, देयर बाय मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ इनवॉलेंट्री फंक्शंस, ठीक है, ये एक साथ काम नहीं करते, एक दूसरे से अलग अलग काम करते हैं, जिसकी वजह से जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस है उसमें बैलेंस मेंटेन रहता है।
सिंपथेटिक एक्टिविटी टेंड्स टू प्रीडोमिनेट इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड पैरासिंपथेटिक एक्टिविटी ड्यूरिंग रेस्ट, राइट। अभी जो सिंपथेटिक एक्टिविटीज है, ठीक है, कब कब होती है, जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं, और पैरासिंपथेटिक जब रेस्टिंग मोड होता है ड्यूरिंग रेस्ट, राइट। हम बात करेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोन की सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। इसकी जो सेल बॉडी होती है वो लेटरल कॉलम यानी साइड पे होती है, ठीक है, ऑफ ग्रे मैटर इन द स्पाइनल कॉर्ड, और किस किस लेवल के बीच में होती है, फर्स्ट थोरासिक, सेकंड और थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में होती है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, राइट। इसकी सेल बॉडीज आगे है, एसिटाइलकोलीन इज द न्यूरोट्रांसमीटर एट सिंपथेटिक गैंग्लिया, ठीक है, और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा प्रेजेंट होता है, एसिटाइलकोलीन, राइट। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के बारे में बात करें तो दिस हैज इट्स सेल बॉडी इन अ गैंग्लियन एंड टर्मिनेट्स इन द ऑर्गन और टिश्यू सप्लाई, राइट। इसकी जो सेल बॉडी होती है कहाँ पे होती है, गैंग्लियन में होती है, और कहाँ खत्म होती है, जहां पे भी ऑर्गन जिसको सप्लाई करना है, किसी टिश्यू को सप्लाई करना है, ठीक है, वहां पे इसकी जो सेल बॉडी है उसका एंड होता है, राइट। इसमें कौन है न्यूरोट्रांसमीटर, नॉर एड्रिनलिन जिसको नॉरएपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की, दो न्यूरॉन्स है इसमें प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक, जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस में, ठीक है, अपने सोर्सेस से लेके, ठीक है, टू द इफेक्टर ऑर्गन की, कहाँ इनका ओरिजिनेट ये कर रही हैं, कहाँ इनका ओरिजिन है, और कहाँ पे किस ऑर्गन को इन्होंने सप्लाई करना है, ठीक है। द न्यूरो ट्रांसमीटर एट बोथ सिनेप्सिस एसिटाइलकोलिन, ठीक है, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा प्रेजेंट है, एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट है। अब इसमें पैरासिम्पथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोन कहाँ और क्या काम करता है, दिस इज यूजली हैज इट सेल बॉडी ईदर इन द ब्रेन और इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसकी जो सेल बॉडी होती है या तो ब्रेन में होती है या फिर स्पाइनल कॉर्ड में होती है, ठीक है। दोज ओरिजिनेटिंग इन ब्रेन आर क्रेनियल नर्व्स 3rd, 7th, 9th and 10th, ठीक है। जो ब्रेन में ओरिजिनेट करती है इनकी सेल बॉडी, वो कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती है, ये जो बताई गई है 3rd, 7th, 9th and 10th, अराइजिंग फ्रॉम द न्यूक्लिया इन द मिड ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम, ठीक है, यहाँ से अराइज करते हैं। एंड इनके जो नर्व फाइबर्स है जो टर्मिनेट करते हैं, कहाँ पे करते हैं, नियर बाय द इफेक्टर ऑर्गन, जहाँ पे इन्होंने सप्लाई करना है। द सेल बॉडीज ऑफ द सेक्रल आउटफ्लो आर इन द लेटरल कॉलम्स ऑफ ग्रे मैटर एट द डिस्टल एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, राइट। अब जो सेल बॉडीज है सेक्रल आउटफ्लो की, ठीक है, वो कहाँ पे है लोकेट, जो ग्रे मैटर है उनके लेटरल कॉलम्स में प्रेजेंट है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ी सी दूरी तरफ, ठीक है। आगे है द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, दिस इज यूजली वेरी शॉर्ट एंड हैज इट्स सेल बॉडी ईदर इन गैंग्लियन और मोर ऑफन इन द वॉल ऑफ ऑर्गन सप्लाई, राइट। अभी जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं इनकी सेल बॉडी, और या फिर गैंग्लियन में होते या फिर इन द वॉल ऑफ द ऑर्गन सप्लाई, राइट। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन्वॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये सब कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड होती है ब्रेन के अंदर, यानी कि बिलो द लेवल ऑफ सेरेब्रम। जो मेजॉरिटी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक है, वो दोनों सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्व्स के साथ सप्लाई होते हैं, ठीक है, विच हैज ऑपोजिट इफेक्ट्स दैट आर फाइनली बैलेंस्ड टू एंश्योर देयर ऑप्टिमम फंक्शनिंग मीट्स द बॉडी नीड्स एट एनी मोमेंट, राइट। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अलग अलग हैं, तो इनके जो फंक्शंस है वो अलग अलग है, ताकि बॉडी का जो बैलेंस है, ठीक है, वो बनाए रखे। सेम वही पॉइंट का जिक्र किया गया है यहाँ पे। आगे बात करते हैं, आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है, पैरासिम्पथेटिक नर्व एक्टिविटीज क्या क्या है और सिंपथेटिक क्या क्या है, एग्जाम में आप याद करके 5 या 6 एक्टिविटीज दोनों के लिख देना, राइट। आगे देखो, सिंपथेटिक स्टिमुलेशन प्रिपेयर द बॉडी टू डील विद। अभी जो सिंपथेटिक स्टिमुलेशन है ये क्या किस चीज के लिए बॉडी को रेडी करते हैं, नंबर वन इज एक्साइटिंग एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, यानी स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, जबकि पैरासिम्पथेटिक डील करती है विद रेस्टफुल सिचुएशंस, राइट। आगे देखो क्या है एक्साइटिंग एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन कैसी, जैसे स्ट्रेंथनिंग इट्स डिफेंस इन टाइम्स ऑफ डेंजर एंड इन एक्सट्रीम्स ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है, ये एक्साइटिंग एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन सिचुएशंस के साथ डील करती है, जिनके बारे में हमने जिक्र किया, जैसे कि डेंजर या फिर एक्सट्रीम्स ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है। आगे ये जो सिंथेटिक स्टिमुलेशन है ये किसके साथ और डील करती है, विद द इमोशनल स्टेट्स, ठीक है, इमोशनल स्टेट्स कौन सी, जैसे फियर, एम्बैरेसमेंट, एंगर ऑल्सो कॉजेस सिंपथेटिक स्टिमुलेशन, राइट। अब ये एड्रीनल ग्लैंड्स का क्या रोल है इसमें, सिंपथेटिक स्टिमुलेशन जो है एड्रीनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है, ताकि ये अपने हॉर्मोन्स जो एड्रीनलिन है और नॉर एड्रीनलिन है, जिनको हम फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, कि या तो फिर फाइट और फ्लाइट एक्शंस अपने ये शो करते हैं, ठीक है, उनको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करवाते हैं, ठीक है। द इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलेशन ऑन हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लंग्स एनेबल द बॉडी टू रिस्पॉन्ड प्रिपेयरिंग फॉर इट्स एक्सरसाइज, ठीक है। आगे देखो,
इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक रेट एंड इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या करती हैं, और मेटाबॉलिक रेट को हाई करती हैं, ठीक है, और जो कन्वर्जन है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, ये हेल्प करती हैं फटाफट से होने में ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हम पीछे अब हमने पढ़ा है कि हार्ट को सभी बॉडी के ऑर्गन्स को एक्सरसाइज के लिए रेडी करती हैं, तो ये क्या काम करवाती हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, फाइटिंग और रनिंग अवे व्हेन ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स आर ग्रेटली इंक्रीज, दीज चेंजेस एनेबल द बॉडी टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू मीट द इंक्रीज्ड एनर्जी डिमांड, ठीक है। एक्सरसाइज के दौरान क्या है, जब हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो बढ़ जाती है, ठीक है, ये जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होते हैं ये हेल्प करती हैं, ठीक है, उस दौरान उन डिमांड्स को मीट करने में, ठीक। आगे क्या है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का क्या काम है, हैज अ टेंडेंसी टू स्लो डाउन द बॉडी प्रोसेसेस एक्सेप्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड फंक्शंस ऑफ जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या है, एक पावर है कि वो बॉडीली प्रोसेसेस को स्लो डाउन कर देती है, किन किन चीजों को छोड़ के, डाइजेशन को, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को, और जो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के फंक्शन है उनको, राइट। इट्स जनरल इफेक्ट इज दैट ऑफ पीस मेकर अलाउइंग रिस्टोरेशन प्रोसेसेस टू अकर क्वाइटली एंड पीसफुली, ठीक है, ये बॉडी का पीस मेकर है, ठीक है, जैसे एसए नोड पेस मेकर है, तो ये क्या पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन क्या है, ये पीस मेकर ऑफ द बॉडी है, ठीक है, ताकि जो हमारे बॉडीली प्रोसेसेस है वो क्वाइटली और पीसफुली हो सके। नॉर्मली द टू सिस्टम फंक्शन टुगेदर मेंटेनिंग द रेगुलर हार्ट बीट, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड एक्शन में काम करते हैं ताकि रेगुलर हार्ट बीट हो सके, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है, दोनों में तालमेल बना रहे, इंटरनल एन्वायरमेंट शांति से चल सके और जो बाहर का है साथ हम लोग इजिली कोप अप कर सके, वो हमारी कंपैटिबल रहे हमारी बॉडी के साथ, समझ आ गई बात, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम, होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच।